उस पे ऐप पे डाल दूंगा, बच्चे रिवाइज करते रहेंगे इसको। आज के टॉपिक है हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन, कि डाटा को हम कैसे देखेंगे। ठीक है जी, अब इसको थोड़ा सा देखते हैं कि डाटा किस तरीके से हमें दिया जाता है पेपर में। पहले आप लोगों डीए किया है क्या, किसी बच्चे ने पहले? स्कूल क्लासेस में किया है पहले, स्कूल में किया है तो मैडम जो स्कूल क्लास में किया वही डीआई, डीआई का भी चेंज नहीं होगा, वही वही चार्ट होगा, सारी चीज वही होंगी। देखिए मैं थोड़ा सा डीआई बता दूं आपको, किस किस टाइप के डीआई हमारे पेपर में आ सकते हैं। अब देखिए कुछ तो ऐसे पेपर जिसमें जब आप हाई लेवल के पेपर में जाओगे ना, बड़े पेपर में, तो वहां पे मेनली डीआई ही आते हैं बड़े पेपर में, जैसे एसबीआई पीओ हो गया, आईबीपीएस पीओ हो गया, 60 में से 40 नंबर वहां डीआई का आता है, मैथ तो वहां पे 20 नंबर के आते हैं। तो कोई भी पेपर हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे पहले थोड़ा सा बेसिक सीखते हैं डीआई में क्या क्या होता है। सारे बच्चों को आवाज क्लियर होंगे, किसी बच्चों को मैं आवाज नहीं सुनाई दे रहा हो तो अभी बोल सकते हैं। चलो क्लियर है आवाज, क्लियर है, एवरीथिंग फाइन, बाकी आप लोग कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को भी दिक्कत, देखिए जिनके साइड से कूलर का एसी का कोई भी आवाज आता हो डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि क्लास रिकॉर्डिंग में वो हमेशा के लिए क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, बाकी बाद में बच्चों को सुनना होता है। देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, डीआई में क्या होगा बच्चों, मैं एकदम जीरो से बता रहा हूं कि सबको समझ में आए। डीआई में हमारे पास दो टाइप की चार्ट होते हैं, एक तो हमारे पास में टेबल दिया गया होता है, दूसरा हमारे पास में ग्राफ दिया गया होता है। अब टेबल कैसे होगा, ऐसे बना देगा टेबल, ऐसे लिख देगा, कहेगा कहेगा बच्चों ये मैथ है, ये साइंस है, ये इंग्लिश है, ये हिस्ट्री है, जो यहाँ लिख देगा अजय, विनोद, सीता, रीता, इसका नंबर लिख देगा यहाँ पे, इसको 50 नंबर मिला, 20 नंबर, 30, ऐसे डाटा चार्ट बना दे, इसको हम कहते हैं टेबल टाइप सवाल कहते हैं, जो टेबल के फॉर्म में दिया गया होता है। अगला ग्राफ वाले सवाल होगा, अब ग्राफ में अलग अलग टाइप ग्राफ होते हैं, कभी काल तो ऐसे ग्राफ दे देगा, बिल्डिंग बना होगा ऐसे वाला, देखो ऐसे ग्राफ दे देगा, ऐसे ग्राफ दे देगा, यहाँ पे कुछ नंबरिंग लिख देगा, फिर इसके ऊपर सवाल पूछेगा। अगला ग्राफ कैसे हो सकता है, ऐसे दे देगा, देखो ऐसे बना देगा, एक ऐसे वाला ग्राफ बना देगा, दूसरे कलर के मैं ग्राफ ऐसे बना देता हूँ, ऐसे कोई ग्राफ गया होगा, ले जी इसका कोई ना कोई नंबर्स दिया गया होगा, ये सारे ग्राफ टाइप के सवाल आते हैं। तो हम हर एक टाइप के सवाल करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ग्राफ में कौन कौन से टाइप आते हैं बच्चों, ग्राफ में आते हैं एक तो बार ग्राफ होते हैं, दूसरा लाइन ग्राफ होते हैं, एक तो बार ग्राफ है, दूसरा लाइन ग्राफ है, उसके बाद कौन सा होता है, पाई चार्ट होता है, एक होता है कंबाइंड ग्राफ। आज के पेपर में आप देखेंगे तो कंबाइंड वाले सवाल ज्यादा आते हैं। कंबाइंड में क्या करेगा बच्चों, ये इसको भी टेबल को भी ले लेगा, एक ग्राफ को भी लेगा, फिर दोनों को मिलकर सवाल बनाएगा, वहां पे कैलकुलेशन क्या हो जाता है, थोड़ा लेंदी हो जाते हैं। अब आपको डीआई पढ़ने के लिए कुछ बेसिक ज्ञान होनी चाहिए, बेसिक के ज्ञान के मतलब थोड़ा सा बेसिक ज्ञान, ज्यादा नहीं, आपको थोड़ा रेशियो का ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा सा 5 मिनट का ज्ञान, थोड़ा सा एवरेज का ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा सा परसेंटेज का ज्ञान होना चाहिए, आपको प्लस का आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए, मल्टीप्लाई का आना चाहिए, डिवाइड का आना चाहिए, ये चार चीज आपको पहले से आते हैं ना, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको फास्ट आना चाहिए भाई, आने के लिए तो सारी चीज सब चीज आपको आते हैं, बट थोड़ा सा तेजी से करना पड़ेगा, प्लस करना हो, माइनस करना हो, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना है। पहली बात समझिए, देखिए डीआई की पेपर की माइंडसेट क्या होती है, डीआई के सवाल कैसे फ्रेम किया जाता है, उस बात को आप लोग समझने की ट्राई कीजिए। देखिए डीआई में आपको कैसे फंसाएगा उस लॉजिक समझिए, जैसे मैंने सवाल दे दिया 1 to 5 सवाल दिया, कोई भी सवाल है 1 to 5 है, ठीक है। अब देखिए एग्जामिनर क्या करेगा आपके साथ में, जैसे मान लो पहला सवाल है 1 to 5, दूसरा सवाल है 6 to 10। अब एग्जामिनर कैंडिडेट के साथ में गेम कैसे खेलता है उसकी साइकोलॉजी भी आपको समझना पड़ेगा। जैसे 1 to 5 सवाल है बच्चों, अब एग्जामिनर क्या कहता है पेपर में, पहला सवाल एकदम टफ डाल देगा, बहुत मुश्किल डाल देगा, दूसरा सवाल भी टफ डाल देगा, अगला 3 सवाल आसान होगा, देख पहला साइकिल। अब यहां पे क्या करेगा, फिर से पहला सवाल टफ डाल देगा, दूसरा सवाल मॉडरेट डाल देगा, अगला 3 सवाल वो फिर से आसान कर देगा, 3, 4, 5 नंबर। अब देखिए हम लोग, हमारी माइंडसेट क्या होता है, हम लोग कहाँ फंसते उस बात को समझिए, हमारा माइंडसेट क्या है,
हम लोग कहाँ फंसते हैं उस बात को समझिए। गुरु सिमरनजीत जी अपनी माइक ऑफ कीजिए आप। गुरु सिमरनजीत माइक ऑफ रखिए जी। अब देखिए हम लोग कहाँ फंसते, देखिए ध्यान से। अब जैसे हम एग्जाम में बैठेंगे, एक तो टाइम की प्रेशर होता है, कैलकुलेटर नहीं होता, देखो हमसे गलती क्या होगा। देखो हम लोग पेपर में कहाँ फंस जाते हैं। हम पहले सवाल करने जाएंगे, पहले सवाल ही मैं सोल्व करना स्टार्ट करूंगा, 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। उसके बाद कैलकुलेशन इतनी, आंसर भी इतनी क्लोज दिया गया होगा कि मैं पहला आंसर नहीं आएगा। जैसे पहला आंसर मैं नहीं आएगा तो मैं निगेटिव हो जाऊंगा। जैसे मैं पहला आंसर नहीं आया तो मैं थोड़ा सा हिल जाऊंगा, मैं छोड़ के मैं दूसरा सवाल पे जाऊंगा, मुझसे दूसरा भी नहीं होगा। यदि पहला 2 सवाल नहीं होगा तो मैं इस हालत में नहीं होता कि मैं अगला 3, 4, 5 देखूं, मैं आगे स्किप करके मैं दूसरा पे चला जाऊंगा, 6 से 10 पे चला जाऊंगा। अब आपको आगे क्या किया जाएगा, फिर से 6 नंबर में क्या करेंगे आपसे, पहला सवाल फिर से मुश्किल डाल दिया, पहला सवाल फिर से आपको मुश्किल डाल देगा, दूसरा सवाल फिर से मुश्किल डाल देगा, फिर से अगला 3 सवाल आसान होता है। तो पहली नॉलेज आपको ये देना चाहता हूं बच्चों, पहला इसका एनालिसिस ये है पेपर का, कि यदि पहला 2 सवाल मुश्किल भी हो तो तीसरा, चौथा या पांचवा को पढ़ना मत भूलना, इसको पक्का चेक करना कि क्या पता ये सवाल आसान दिया गया हो, ठीक है। दूसरी बात होता है बच्चों, 5 में से कोई ना कोई एक सवाल इतनी मुश्किल दिया गया होगा जो टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो डीआई की जो सवाल होता है, तो ऐसा नहीं मुझे सारे सवाल करना पड़ेगा नौकरी लगने के लिए, 2-4 सवाल मैं छोड़ भी दूंगा तो मुश्किल नहीं होगा। यदि कोई सवाल टाइम कंज्यूमिंग है, जैसे मैं कह दिया सवाल छोड़ देना कोई मुश्किल बात नहीं है, ये सच्चाई कह रहा हूं, आप में सारे सवाल सोल्व करने के चक्कर में जाओगे तो पक्की बात है दिक्कत आएंगे आपको, क्यों होता टाइम नहीं होता पेपर में। जैसे मान लो मैं SBI PO की बात करता हूँ, या क्लर्क की बात करता हूँ, 20 मिनट में मुझे 35 क्वेश्चन करना होता है, तो 20 मिनट में 35 कर ही नहीं पाऊंगा मैं मैक्सिमम 30-32 कर पाऊंगा। ऐसे 2-3 सवाल जो छोड़ना होता है ना, तो मुश्किल वाले मैं छोड़ दूंगा, मुझे उसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो 2-3 बातें हैं। पहली बात यह कि पहले मुश्किल मिल जाए तो पीछे भी देखना। तीसरी बात यह है बच्चों कि यदि कोई सवाल बहुत मुश्किल है, बहुत इरिटेटिंग है, बहुत कैलकुलेटिव है, उसको स्किप करके आगे चले जाना, जब टाइम मिलेगा बाद में उसको हम देख लेंगे। ये तो हो गया साइकोलॉजिकली हम कैसे चीज को सोल्व करते हैं। अब बात करते हैं पहली बातें करते हैं, इसमें 3-4 पॉइंट में लिखा हूं। पहली बात करते हैं रेशियो का क्या होगा। देखिए रेशियो के केस में क्या होगा बच्चों, हमेशा जब भी कंपेयर करना होगा ना, तो कंपेयर जब ही कर पाओगे जब उसका यूनिट सेम होगा। मैं कह दूं आपको 4 आवर्स कह दूं और यहां पे मान लीजिए 2 डेज कह दूं, इसका रेशियो क्या होगा। इसका वैसे नहीं कह सकते सर इसका 2:1 होगा, यदि ऐसे कहते तो गलत कह दे। कंपेयर करने के लिए बच्चों मेरा रेशियो, मेरा यूनिट सेम होना चाहिए। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इसको आवर्स में ले जाऊं या इसको डेज में ले जाऊं, किसी एक को मुझे चेंज करना पड़ेगा। पहला उपाय मेरे पास ये है बच्चों, जैसे ये 4 आवर्स है तो 2 दिन को मैं आवर्स में कन्वर्ट कर दूंगा, तो 2 दिन में कितना हो जाएगा, 48 आवर्स हो जाएगा। अब इनका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो हो जाएगा 1:12, मीन्स आपको यूनिट सेम करना पड़ेगा। कोई ऐसे भी बच्चे होंगे जो कहेंगे सर मैं तो आवर्स में नहीं लेके जाना चाहता, मैं डेज में रखूंगा, तो कोई बात नहीं। यदि डेज में रखना है बच्चों तो क्या करेंगे आप, 4 घंटे को क्या लिखोगे, 4/24 दिन लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 दिन में 24 घंटा होता है। रेशियो कितना हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा। अब इनको सोल्व करोगे बच्चों तो 4×6=24 हो गया, 6×2=12 हो गया। तो वापस रेशियो देखिए, 1:12 आया कि नहीं आया, देखो ध्यान से। मीन्स पहली बात यह है कि आपके रेशियो सेम होना चाहिए जी, पहली बात है। दूसरी बात है रेशियो का क्या प्रॉपर्टी है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 300:200 का, तो रेशियो का 2 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा सकता हूं, मैं डिवाइड करवा सकता हूं, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं, तो ये 600 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। अभी भी इनका जो रेशियो है ना सेम है, रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ। इसी हिसाब से मैं इसको मैं 100 से डिवाइड करवा दूं, इसको भी मैं 100 से डिवाइड करवा दूं, फिर भी जो मैं रेशियो रहेगा ना, अभी भी रेशियो मेरा 3:2 का है। यहाँ पे भी जो रेशियो था ये 3:2 का था, यहाँ पे भी जो रेशियो है बच्चों 3:2 का है। यदि आप
यदि आप बच्चों किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करवा देते हो या डिवाइड करवा देते हो तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेशियो में फर्क कब पड़ेगा? जब आप उसको प्लस करवा रहे होंगे या माइनस करवा रहे होंगे। मीन्स अपनी फायदा के हिसाब से मैं सेम नंबर से रेशियो को मल्टीप्लाई या डिवाइड करवा सकता हूं जहां मुझे जरूरत पड़ेगा। पहली बात। दूसरी पॉइंट है बच्चों परसेंटेज का। देखिए आपको परसेंटेज निकालने आना चाहिए। यदि परसेंटेज निकालने नहीं आते हैं तो इस टॉपिक बहुत तकलीफ होगा आपको। परसेंटेज कैसे निकालना है? जैसे मान लीजिए मैं ये कह दिया आपको 420 का 20% निकालना है तो कुछ नहीं है, 420 गुना 20 बटा 100, जीरो से जीरो चला गया, कितना जीरो से जीरो चला गया, 10 गुना 20 होता है, आंसर कितना होगा 84 होगा। ये जो मैं लाइन लिखा हूं जितने भी क्लास में बच्चे बैठे होंगे उनको ये चीज पता होगा। इसके आगे हजारों ट्रिक्स होता है इसका शॉर्टकट निकालने का, उस पर मास्टरी करना पड़ेगा आपको। बट बेसिक यदि आज की क्लास में आपको इतना पता है ना तो सवाल कर सकते हैं, बाकी तो मास्टरी कर लेंगे, बाकी प्रैक्टिस करके एक्सपर्ट बन जाएंगे, शॉर्टकट सीख जाएंगे। किसी का जैसे मान लीजिए 600 का मुझे 15% निकालना है तो क्या करेंगे, 600 गुने 15 बटा 100 करेंगे, बस इतना परसेंटेज आपको आना चाहिए। बाकी जैसे जैसे परसेंटेज में समस्या आएगा मैं चीजों को और भी इंक्रीज करते चला जाऊंगा। अब कुछ चीजें मैं और भी सिखाता हूँ परसेंटेज में, मैं 5-7 मिनट उसको देना चाहता हूँ आपको। देखिए ध्यान से क्या क्या मैं सिखाना चाहता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लिया, मेरे पास एक नंबर दिया है 1200, कभी भी आपको कहेगा 10% निकालने के लिए, 10% निकालने के लिए कहा जाए तो क्या करोगे आप, एक के बाद डेसिमल लगा दोगे, आंसर क्या होगा 120 हो। किसी भी नंबर का 10% निकालना हो तो एक के बाद डेसिमल, और ये जो लाइन है ना डीआई की जान है, ये लाइन में जबरदस्त यूज करेंगे हम पेपर में। मान लीजिए 136 दिया गया होगा, इसका मुझे 10% निकालना है तो 13.6 होगा। 2586 दिया गया, 10% निकालना है 258.6 होगा। 10% ऐसे निकाला जाता है। एक तो 10% का ज्ञान होनी चाहिए, दूसरी नॉलेज होनी चाहिए 1% का। 1% कैसे निकालोगे, जब 2 के बाद डेसिमल लगा दोगे। 1200 दिया गया है, 2 के बाद डेसिमल लगा दिया तो ये कितना बनेगा, 12 बनेगा भाई। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ भी दिया, जैसे मान लीजिए 2586 दिया गया है, 1% निकालना है, कैसे निकालेंगे, 25.86 होगा। तो 10% दिया गया हो या 1% दिया गया हो, मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, और इसको हम बार बार पेपर में यूज करेंगे। देखिए ध्यान से। हेलो, यहाँ पर डेसिमल लगे, पीछे से 2 डिजिट छोड़ना है। ठीक है सर, क्लियर। अब मेरे बात को समझना स्टार्ट कीजिए आप लोग। देखो मैं क्या समझाना चाहता हूँ, देखिए जैसे 1200 दिया गया है तो 10% कहेंगे तो 120 होगा, 1% कहेंगे तो 12 हो जाएगा, यदि 0.1% कहेंगे तो 3 के बाद डेसिमल, ये 1.2 हो जाएगा। यदि मैं 0.01% कहूं तो 4 के बाद डेसिमल, 0.12, ये 0.0 लगा लो, अभी तकलीफ होता था ऐसे लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या कर दिया मैंने, ठीक है डेसिमल है ये डेसिमल। देखो यहां से मैं क्या सिखाना चाहता हूं, 10% कहा गया तो 120 होगा, 1% 12, 0.1% 1.2, 0.01% 0.1200। अब इन दोनों को समझिए, इसमें आप हमेशा कंफ्यूज करते हैं आप। मैं आपको देसी भाषा में समझाता हूं, इसके मतलब 10 रुपया है बच्चों, इसके नंबर मतलब 1 रुपीज है, इसका मतलब 10 पैसा है, ये 10 पैसा के बराबर है, ये 10 पैसा है, ये जो है बच्चों ये 1 पैसा है हमारी भाषा में। तो कभी कल बच्चों को 0.1% दिया गया है ना, उनको लगता है कि ये 1 पैसा की बात हो रही, नहीं, मैं 0.1 के बाद 0 लगाऊं या ना लगाऊं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमेशा क्या समझोगे, 0.1 कहा गया है तो 3 के बाद डेसिमल, 0.01 कहा गया तो 4 के बाद डेसिमल,
इन चार पॉइंटों में किसी बच्चों को डाउट है? जो ये चार पॉइंट बोला किसी को तकलीफ है तो माइक ऑन करके बोलो सर डाउट है, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। सर इसका सोल्यूशन करके बताना, इसका सोल्यूशन कैसे? जैसे 10 का निकाला और फिर 0.1% का, इसको सोल्यूशन क्या करेंगे? 1200 का 10% है, 1200 गुना 10/100 लिखेंगे, जीरो से जीरो काटा, जीरो से जीरो काटा, 120 मार्क, वही 120 यहां लिख दिया मैंने। यस या नो? यस सर। तो सिंपल है, तो कोई मुश्किल ही नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, बोलो जी। 0.0% क्या मैडम? सर ये परसेंटेज की क्लास चल रही है, मैंने लेट जॉइन किया है ना, मुझे इन्फॉर्म नहीं किया था। मैडम ये डाटा इंटरप्रिटेशन की क्लास है और किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप है तो ठीक क्लास में आप रुक के रहिए, बहुत ज्ञान मिलेगा आपको। ओके मैम जी, ठीक है जी, बोलो बोलो इसमें क्या डाउट है? चार पॉइंट में किसी को डाउट है? सर ये वाला 0.01 वाला। अरे भाई सर 0.01 में क्या तकलीफ है आपको? देखिए 1200 दिया गया है, मुझे 0.01% निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? 1200 लिखेंगे। देखो पहले तो परसेंटेज हटाने के लिए क्या लिखे, 0.01 है, परसेंटेज हटाते नीचे में क्या हो जाता है? 100 आ जाता है। यस या नो? इनटू 100। जैसे परसेंटेज हटाओगे ना तो नीचे में 100 आ जाएगा, पहली बात। अब यहाँ पे देखो 2 के बाद डेसिमल है ना, 2 के बाद डेसिमल, तो इस डेसिमल को हटाने के लिए मुझे 100 से और गुना करना पड़ेगा नीचे में। अब ये क्या हो गया, ये 20 से ये 20 चला गया, 12 गुना 1 12 होगा बेटा, 12/100 हो गया। क्या 12/100 होगा? 0.12 होगा कि नहीं होगा? वही बात मैं यहाँ लिखा हूं, 0.12। क्लियर है लाइन? जी सर जी। आगे चलते, ये बहुत बच्चों वाला बात है, इसमें कोई सिखाने वाले बात नहीं है। 0.0 लास्ट में लगा ना, मैं तो कंफ्यूज हो रहा था, पीछे 1200 बना दिया था। वो तो कोई भाई डेसिमल के बाद में लाखों जीरो लगा दो, कोई औकात नहीं है जीरो का, ये तो ऐसे टाइम पास करे पीछे आ गई, कोई काम नहीं इसके बाद। ठीक है जी, पीछे डेसिमल के बाद आप कितना भी जीरो लगा दे, जैसे आप बैंक में जाते हो तो आपको लिखा होता है 200.39, ठीक है, अब पीछे में कितना भी जीरो लगा दो आपको करोड़पति बन जाएगा, अभी भी आपके पास अकाउंट 200 रुपया ही है भाई साहब। क्लियर? यस सर। आगे चले? यस सर। चलो अब थोड़ा कुछ और बातें समझते हैं। देखो अब देखिए 1200 दिया गया है, 1200 का बच्चों 10% मैंने कितना कह दिया था? 1200 का 10% मैंने 120 कह दिया था आपको, 120। ठीक है, अब देखो यदि 5% निकालना हो ना तो मैं ऐसे भी तो दिमाग लगा सकता हूँ, ये इसका आधा है तो ये भी आधा हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। भाई 10% 120 है तो 10 का आधा 5 तो 120 का आधा 60 हो जाएगा। इसका ये भी मतलब है बच्चों, यदि 2.5% निकालना होता ना तो ये भी आधा हो जाएगा, 30 रुपये बन जाएगा। यदि 1.25% निकालना होता ये 15 बन जाएगा। यस या नो? यस सर। अरे मैं आधा करते चला जा रहा हूँ, क्या दिक्कत है? आधा इधर भी हो रहा है भाई, इधर आधा किया तो इधर भी आधा कर दिया। 10% 120 से 5% 60 हो गया, 2.5% 30 हो जाएगा, 1.25% 15 हो जाएगा, पहली बात। और क्या हो सकता है देखिए ध्यान से, कभी भी आपको 20% निकालने के लिए कहा जाए तो 10% निकाल के 2 गुना कर देना। यदि 10% 120 है तो क्या 20% 240 नहीं होगा? Yes. 10% 120 है, उसको 2 गुना किया, 10 को 2 गुना किया 20%, 120 का 2 गुना किया 240। यदि कुछ भी ना समझ में आया तो आपको ये तो पता ही है 20/100 करना, ये तो आपको पता ही है ना फाइनली? जी जी, ये तो पता ही है लास्ट में, अगर कुछ भी ना समझ में पता चले तो। 20% हो गया, कभी भी आपको 25% निकालना होगा ना तो जो भी नंबर दिया गया होगा उसको आप 4 से डिवाइड करवा देना, ये कितना हो जाएगा? 300। 25% निकालने के लिए हमेशा 4 से डिवाइड, 50% निकालने के लिए हमेशा जो भी नंबर दिया गया होगा 2 से डिवाइड करना, ये 600 बन जाएगा। कभी भी 75% निकालना होगा तो जो भी नंबर दिया गया होगा उसको 3/4 से गुना करना, 4 + 3 = 300 गुना 3 कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। यस या नो? यस सर।
यस सर। 50% 25% 75% सारे बता दो। अब इसका फायदा क्या होने वाला है आपको, देखो आगे जाके अगर दिमाग लगाओगे प्रैक्टिस करोगे तो फायदा क्या होगा देखो ध्यान से। मैं एग्जांपल में 1200 ले रखा हूँ, मैंने कहा था आपको देखिए ध्यान से कि 1% कितना होता है, 12 होगा। इसमें कोई डाउट रहेगा किसी को? नो सर। 1% 12 है भाई साहब, तो 2% कितना होगा? 24 होगा। 3% कितना होगा? 36 होगा। 4% कितना होगा? 48 होगा। 5% कितना होगा? 60 होगा। यस या नो? अब मान लीजिए किसी ने मुझे ये पूछ लिया कि 1200 का 52% बताइए। देखिए यदि चीजों को, मेरे बात को समझिए, यदि डीआई करना है ना तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। यदि चीजों को ना आप चीजों को ना पार्ट बाय पार्ट करोगे ना तो ही दिमाग में बातें बैठेंगे कि मेंटली कर पाओगे। कैसे? देखो जैसे 52% है तो मैं इसको पार्ट बाय पार्ट कैसे कर सकता हूँ, पहले 50% निकालूंगा फिर 2% निकालूंगा। 50% के लिए मैंने क्या करा, आधा कर दो तो 1200 का आधा कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। 1% कितना है? 12 है, तो 2% कितना होगा? 24 हो जाएगा। तो मैं मेंटली बता सकता हूँ कि इसका आंसर 624 होगा। मतलब इतना मुझे नहीं सीखना है तो मेरे पास सिंपल सा उपाय है, 1200 को मैं क्या करूंगा 52/100 कर दूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, इसको गुना करूंगा मेरा आंसर 624 आएगा। बट 1-2 सेकेंड तो ज्यादा लगेगा ना इसमें करने में, इसमें करने में 1 या 2 सेकेंड का फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं दोनों बातों में। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? ठीक है। मैं पार्ट वाई पार्ट क्यों कहता हूँ करने के लिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने कहा बच्चों 89 + 46 पे ऐड करो, आंसर तो कोई भी निकाल लेगा। बट मेरा मानना हमेशा ये होता है यदि पार्ट वाई पार्ट करो तो चीज आसान होगा। पार्ट वाई पार्ट का मतलब क्या है, देखो आप तो ऐसे भी कर सकते हो ना, 6 × 9 = 15 होगा सर, कह दिए 1 हो जाएगा, 8 × 4 = 13 हो गया, है ना, 8 × 4 = 13 हो गया, आंसर 235 हो गया। यस या नो? यस सर। 13 हो गया ना, तो 8 = 135 हो गया। ऐसे कर सकते हैं हम। मैं क्या सिखाना चाहता हूँ आपको, देखिए मेरा क्या सीखना इस चीज, मैं कैसे देखता हूँ छोटे मोटे कैलकुलेशन। देखो जो 89 है ना, अब इसको 89 मत समझो, इसको 18 + 9 समझो, इनको अब 40 + 6 समझो। अब जो कितना आसान हो जाएगा, 80 = 40 = 120, 9 × 6 = 15, 120 + 15 = 135। क्या मेंटली नहीं कर पाऊंगा मैं? जी सर। पहले से आसान होगा बट थोड़ा सा इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस का डीआई नहीं कर सकते आप, डीआई तो कोई भी कर सकता है, थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैं पार्ट वाइज करने के सिखा रहा हूँ परसेंटेज को भी। जैसे मान लीजिए किसी मुझे बोला कि सर 49% बताइए 1200 का, कोई बात नहीं 50% में से 1% घटा दूंगा। 50% कितना? 600 होता है। 1% कितना होता है? 12 होता है। आंसर कितना होगा? 588 होगा। यस या नो? यस सर। यस सर। ये जितनी भी चीजें मैं सिखा रहा हूँ मेरा YouTube चैनल के ऊपर, कंपटीशन के मोहाली के YouTube चैनल के ऊपर, इसके ऊपर 2-3 में वीडियो डाला हुआ हूँ कैलकुलेशन को आसान कैसे किया जाए। YouTube चैनल में रेशो वाला फर्स्ट वीडियो नहीं मिला था। अरे मैडम आज ही तो फर्स्ट डाला हुआ है, क्यों नहीं मिला? आज ही डाला है मैंने। किस नाम से सर मिल नहीं रहा? मैडम आप ना उस पे जाके, चैनल पे जाके लिखिएगा कंपटीशन गुरु मोहाली। ओके सर। तो आपको आ जाएंगे, फिर वहां पर अंदर में जाकर लिखिएगा रेशियो पार्ट 1 पे प्रकाश हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? यस सर। यस सर। अब कोई भी नंबर्स दे दिया जाए, मान लीजिए मुझे किसी ने ये बोला कि आप मुझे सर ऐसे बता दो कि 78% कितना होगा 1200। मैं 1200 इसलिए लेकर चला, वो डाटा याद हो जाएगा आपको। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? 75% + 3%। 75% के लिए क्या कहा था? 1200 को 3/4 से गुना करवा देना, 4 × 3 = 900 हो गया। ये तो 3%, 1% तो 12 होता है, तो 3% कितना होगा? 36 होगा। आंसर 936 हो जाएगा। मुझे प्रैक्टिस है, आप ये प्रैक्टिस करोगे आप ये इतना फास्ट कर पाओगे। अगर मान लो आपको नहीं समझ में आ रही मेरी भाषा तो कोई बात नहीं, आपको ये चीज याद होनी चाहिए, ये तो हमेशा जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद है और रहेगा। देखो ध्यान से इसको काटा काटा ऐसे काटा गुना किया, आंसर 936 चलेगा भाई। यस सर। ये ज्यादा आसान है ना मैडम, ये वाला जो सेकंड वाला बताया मैंने? जी सर सेकंड वाला। जी सर बिल्कुल। हां सेकंड वाला ऋषि मोहंती इंटर द बेडरूम। कौन है ऋषि मोहंती जी?
यहाँ तक डाउट है बच्चों किसी को? नो सर। अब एक चीज मुझे बताओ, मान लो मैं आपको ये कह दूं, मैं आपको ये कह दूं 450 का 16% निकालना, क्या होगा आंसर? 450 का 16% निकालना है, सबका आंसर 720 आ जाएगा, जो गलत है 315। आप लोग होश में हैं कि सो गए रात में अचानक? सर 265। 450 से 16% कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हैं आप लोग? 73। जितने लोगों ने बोला सारे आंसर गलत बताया। अब ठीक है, सभी लोगों ने आंसर 72 निकाला है ना? यस सर। बट आपने निकाला कैसे पता है आप लोगों को? आपने दो तरीका से निकाला। एक तो सबसे होशियार बच्चे ने क्या किया होगा, 450 गुने 16/100, 0 से 0 चला गया है ना, फिर काटा हमने 5 नंबर 45 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 2 8 16 होता है, 8 में 72 होता है, आंसर निकाल दिया आपने। 70% लोगों ने ऐसे निकाला हो। कुछ बच्चे ने क्या किया होगा जो मैंने अभी सिखाया, तुम्हें 16% निकालना है, पहले 10% निकालेंगे, फिर 5% निकालेंगे, फिर 1% निकालेंगे, 10% क्या होगा 45 होगा, 5% कितना होगा बेटा, 5% 22.5 होगा, और 1% कितना होगा 4.5 होगा, 1% 4.5 होगा, इनको प्लस किया होगा 72 हो गया होगा। यस या नो? यस सर। यस सर। मैं तीसरी एंगल की बात कर रहा हूँ, ये दो तो आपको आते हैं, अगर यही दो चीज में सीखा फिर पढ़ाने के लिए क्यों आई इस लाइन ऑनलाइन। मैं तीसरी एंगल की बात करना चाहता हूँ, इसका और क्या चीजें हो सकता है, देखिए ध्यान से। सर बोलो बोलो। एक छोटी सी चीज ना मेरे को अभी कंफर्म नहीं हो रही, जैसे हमने 15% का निकालना है तो 10, 15 और 1% कर दिया हमने। अरे 15 नहीं निकाले, हम 16 निकाले साहब, सॉरी 16%। हां हां, इसका 45-25 ये कैसे आता है सर? ओ ये कैसे आता है, तो ये 45 से पता लग गया, 22 कैसे आया सर? अरे देखो देखो देखो, शांत हो जाओ सारे बच्चे, शांत हो जाओ, मैं सिखाता हूं, फिर मैं फिर बताता हूं, कोई जल्दबाजी नहीं मैडम, ना आपको कहीं जाना ना मुझे कहीं जाना, आपको भी घर पे जाना मुझे घर पे जाना, आराम से पढ़ाएंगे, टाइम जितना लग जाए, सीखना जरूरी है। देखो ध्यान से, मैंने कहा 450 का 16% निकालना, यही कहा था मैंने ना? यस सर। तो देखो 16% के लिए मैंने क्या कहा बच्चों, कि पहले 10% निकालेंगे, फिर 5% निकालेंगे, फिर 1%, यही कहा मैंने। किसका निकालना है? 450 का। तो 450 का बेटा जो 10% होगा, क्या 45 होगा कि नहीं होगा बताओ मुझे? जी सर। मैंने कहा था एक के बाद डेसिमल लगा दो पीछे से तो 10% बन जाएगा, तो 10% 45 होगा कि नहीं होगा? जी सर होगा। तो 10% 45 हो गया भाई। अब कुछ बच्चों को दिक्कत है कि सर ये आपको कैसे पता कि 22.5 होता है? अरे भाई ये इसका आधा है, 10 का आधा 5 होता है, तो मैं क्यों दिमाग लगाऊंगा, 45 का आधा कर दूंगा ना 22.5 हो जाएगा। 45 का आधा 22.5 ही होगा ना, ये कुछ और होगा? हाँ जी सर, ठीक है। अब 1% के लिए मैंने क्या कहा था, 2 के बाद डेसिमल, तो 450 दिया गया है, यदि 2 के बाद डेसिमल लगा दोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। इन सब को जोड़ा आंसर हो गया 72। यस या नो? यस। थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम। तो ये आपको ऐसे सिखा दिया टाइम पास करने, मैं इसी बेहतर चीज सिखाने वाला था, आपने पूछ लिया तो मैंने सिखा दिया। देखो आपको मैं क्या सिखा रहा हूँ, देखो कोई आपको कह दिया है कि भाई 450 का 16% निकालो, ये कहना या तो 450% निकालो 16 का, ये दोनों बात सेम है भाई, परसेंटेज को मैं कहीं भी चिपका दूं आंसर सेम ही आता है, ये याद रखना जरूरी है। 450 का 16% या तो 450% का 16, दोनों बात सेम है मैथमेटिक्स में, याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि देखो ध्यान से
ये 450 गुने 16 बटा 100 ये भी बता देगा, 450 गुने 16 बटा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। देखो ऊपर ये गुना ही हो रहा है, ऊपर गुना ही हो रहा है, नीचे में 100 यहाँ पे लिखूं या यहाँ लिखूं क्या फर्क पड़ेगा भाई बताना मुझे, यस या नो? मैं 450 के नीचे 100 लिखूं या 16 के नीचे 100 लिखूं, 100 से डिवाइड ही होना है सवाल को। यस सर। तो कभी काल मुझे ये भी लॉजिक लगानी होती है कि भाई 450% 16 के निकालना मुझे ज्यादा आसान है। देखो क्यों 450% निकालना क्यों आसान है बच्चे, बात है मैं 400% निकालूंगा फिर 50% निकालूंगा, किसका 16 का, 16 का 400%। तो देखो जो भी नंबर होता है ना अपने आप में 100% होता है, तो वो नंबर कितना है 16 है, 400% में तो 4 गुना कर दो तो 16 का 4 गुना किया कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 50% में तो नंबर को आधा कर दो तो 16 का आधा कितना हो गया 8 हो गया, क्या ये 72 होगा कि नहीं होगा? यस सर। इसको ऐसे भी किए जा सकते हैं, बट जितने आप मैच्योर होंगे जितने एक्सपर्ट होंगे उतनी मेरी बात को गहराई से समझ पाएंगे आप। मान लो मेरा कोई भी बात समझ में आपको नहीं आया तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए आज की क्लास के लिए, 450 गुने 16 बटा 100 ये बात समझ में आना चाहिए, क्लियर? मान लो मैं कोई भी लैंग्वेज समझ में नहीं आता ये आपको समझ में आना चाहिए, ये जबरदस्त बात बोला सर ने जो पहले सर। आपका वाला मेथड सही है, आपका वाला मेथड सही है जो आपने बताया, सही तो है बट कुछ लोग तो इरिटेट हो जाएंगे, उसे क्या सिखा रहे सर अचानक? नहीं सर उस वो समझ आ गया बिल्कुल, ओके एप्रोप्रिएट, ओके है चलो ओके, तो फिर तो अच्छी बात ठीक है। अब ये तो मैंने कैलकुलेशन सिखा दिया, कैलकुलेशन एक ऐसे टॉपिक है जिन्हें कभी खत्म नहीं हो सकता। अब सीधा हम काम करते हैं, हम टॉपिक पे आते हैं और सबसे पहले हम लोग डाटा टेबल स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। डाटा टेबल के पहले हम 10 सवाल करेंगे अभी, उसके बाद कुछ और देखते हैं, पहले हम आते हैं डाटा टेबल के ऊपर, ठीक है बच्चों? और जो भी सवाल होगा आप खुद से ट्राई करो, मैं 100% गारंटी कहता हूं, पहले सवाल को समझो वो क्या कह रहा है, क्या निकालना है मुझे, सवाल देखते जल्दबाजी मत करो, पहले सवाल को ध्यान से समझो। पहली 10 सवाल में एकदम हौले हौले करवाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, जब तक सारे बच्चों को समझ में आएगा सवाल में आगे मूव भी नहीं करूंगा। तो देखिए मैं निकालता हूं, पहले 10 सवाल निकालता हूं आपके लिए, पहले एग्जाम्पल में से करवा देता हूं उसके बाद में आऊंगा सवाल पे। देखो पहली टाइप 1, ये दिख रहा है सबको टाइप 1 थोड़ा छोटा दिख रहा है, मैं छोटा दिख रहा है क्या आप लोगों को? हाँ जी सर, कर दो जूम थोड़ा, दो लो बच्चों अब जूमिंग ठीक है? यस सर। अब जूमिंग वो ठीक है बच्चों यहाँ तक? यस सर। अब चार्ट सही से दिख रहा होगा आपको? अब देखो पहले चार्ट को पढ़ो, सवाल तो बाद में पढ़ना, पहले जो टाइप 1 टाइप के सवाल है उस चार्ट को पढ़ो, चार्ट क्या कह रहा है, देखो मेरे साथ पढ़ो समझो, मेरे साथ पढ़ो आप लोग, मेरे साथ पढ़ो। देखो डाटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन द डाटा टेबल, ठीक है, स्टडिंग द फॉलोइंग टेबल टू गिव टू द गिवन क्वेश्चंस परसेंटेज ऑफ मार्क्स, देखो परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द सेवन स्टूडेंट इन सिक्स सब्जेक्ट। देखो यहां से क्या क्या पता चला, एक तो मार्क्स परसेंटेज में दिया गया है, कितना स्टूडेंट है भाई 7 स्टूडेंट है, सब्जेक्ट कितना है 6 है, अब 7 जो स्टूडेंट है उसका नाम क्या है, मीरा सुबोध कुणाल सोनी रिचु इदानी विजय, ये स्टूडेंट हो गया। अब इसका देखे 6 सब्जेक्ट है, कौन कौन सब्जेक्ट है बेटा, इंग्लिश हिस्ट्री कंप्यूटर मैथ साइंस इकोनॉमिक्स, अब इसी के ऊपर क्या होगा सवाल दिया गया होगा। अब पहले लाइन समझा देता हूं, देखो मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स इंग्लिश 60 नंबर का पेपर है, हिस्ट्री 40 का है, कंप्यूटर 30 का है, मैथ 150 का है, साइंस 120 का है, इकोनॉमिक्स 80 का है। अब ये कहता है कि देखो मीरा को कितना मार्क्स मिला, तो मीरा को बेटा 100% नंबर मिला। अब मैं बात को समझो पहले, आप जल्दबाजी ना करो यहां समझो, मीरा को बच्चों ना 100% नंबर मिला, मैं 60 का 60 में मीरा को मिल गया होगा, यस या नो? जी सर। हिस्ट्री में मीरा को 80% नंबर मिला, किसका 80%, 40 का, तो क्या 40 का 80% निकालना, अभी भी सिखाया आपको 40 का 80% निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 40 गुने 80 बटा 100, 20 से 20 चला गया, 8 चौक 32 हो गया बेटा, यदि मैं यहाँ पे 32 लिख दूं तो किसी को तकलीफ है?
नो सर नो। अब इतनी इतनी कैलकुलेशन है, इस बात की तकलीफ तो है, तो कुछ मत करो। ये सामने चार दिख रहा है, यहाँ आठ दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दो, आठ चौ कितना होगा 32 होगा। अब यहाँ पे देखो 13 पच्चे कितना होगा, यहाँ 13 है, 5 है, 65 रहा होगा। ये 15 नंबर कितना होगा 135 रहा होगा। ये 12 नंबर कितना रहा होगा 108 रहा होगा। 8 छक्के कितना रहा होगा 48 रहा होगा। तो क्या परसेंटेज मैंने बहुत फास्ट कैलकुलेट नहीं कर दिया आपके लिए? यस सर, मुझे पता चल गया भाई यहाँ 32 हो रहा है, भाई आगे ऐसे चल रहा होगा। इसका मतलब ये हो गया, जो मीरा दी हुई है उसको इंग्लिश में 60 में मिला, हिस्ट्री में 32 मिला, कंप्यूटर में 65 मिला, मैथ में 135 मिला, साइंस में 108 मिला, इकोनॉमिक्स में 48 मिला। अब सवाल क्या पूछेगा, सबसे ज्यादा किसने मिला, सबसे कम किसने मिला, ठीक है, एवरेज कितना मिला, किसी का रेशियो पूछ लेगा, किसी का परसेंटेज पूछ लेगा। क्या ये पहली वाली चार्ट आप लोगों को समझ में आ चुका है क्या बच्चों? यस सर। किसी बच्चों को चार्ट समझ में दिक्कत है? नो सर। अब मैं किसी का भी आंसर पूछता बता सकता हूं। जैसे मान लीजिए मैं ये कह दूं, सोनी को मान लेते हैं बच्चों, सोनी को इकोनॉमिक्स से कितना मार्क्स आया, सोनी को इकोनॉमिक्स बताने कितना मार्क्स, बताइए मुझे। 64। अब कैसे देखो, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, तो 88 का कितना मार्क्स हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। यस या नो? यस सर। यस सर। अगर दिक्कत है तो ऐसे निकालो, 80 का 80% कर लो बेटा, 18 का 80% तो 80/100 हो गया, 20 से 20 चला गया, 88 का कितना होगा 64 होगा। क्या पहली चार्ट आप लोग समझ पाए हो बच्चों? जी सर। यस सर। अगर चार्ट समझ में आ गया तो आगे हम जो भी सवाल करेंगे वो आपको समझ में आएंगे। अब पहला सवाल देखो कितना अच्छा सवाल है, व्हाट आर द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मीरा इन ऑल द सब्जेक्ट। मीरा को सारे सब्जेक्ट में कितना नंबर मिला? तो देखिए मीरा का नंबर तो हमने यहाँ निकाल लिया था, ये वाले नंबर्स, ये लाल वाले है ना जी। कहते टोटल कितना नंबर मिला, तो कोई बात नहीं, सबको प्लस कर दो, वही आपका आंसर होगा। यस या नो? यस। करो प्लस, निकालो आंसर। मीरा को कितना मार्क्स मिला करो प्लस बच्चों। देखिए मेरे पास ऑप्शन दिया गया बेटा, 448, 589, 479, 478। यही है सबका? हाँ जी 448। क्या सभी बच्चे का आंसर 448 आ रहा है? यस सर। यस सर। चलो सबका आंसर 448 आ गया। सर एक तो डाउट था सर, सबसे पहले जो पूछा था सोनी के मार्क्स इकोनॉमिक्स में, तो सर 80 सर, 80 सर उसके आया, तो सर 100% नहीं सर उसका आना था। देखो ऊपर में तो ये मार्क्स दिया हुआ है, ये 80 मार्क्स के इकोनॉमिक्स का पेपर है, उसको मार्क्स मिला है 80% मार्क्स मिला है भाई साहब। अच्छा, 80% मार्क्स मिला है ना, ये तो परसेंटेज है, ये तो परसेंटेज दिया हुआ है यार। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब देखो कि देखो मतलब देखो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। मतलब देखिए आपने सारे बच्चों ने कह दिया ठीक है, जैसे मैंने बोला प्लस कर दो, सबने प्लस कर दिया, दिमाग ही नहीं लगाया यहाँ पे, यही कारण है कि 99% बच्चे सिलेक्ट नहीं होते पेपर। अरे रुक जाओ, नई कलाकार बच्चा कौन, क्या नाम है मैडम आपका, क्या नाम है आपका मैडम? सर सर वो स्टूडेंट के मार्क्स। तो मैडम नॉन ऑफ दिस कैसे कह रहे हैं आप सर? कैलकुलेशन करके। तो कैलकुलेशन 448 नहीं आया आपका? उसको कैलकुलेट कीजिए, 448 ही आ रहा होगा। देखो ध्यान से बेटा 448 ही होगा। ओके सर। ठीक है, तो मैं क्या सिखाना चाहता हूँ आप लोगों, देखो मेरी बात को समझिए। डीआई के जो सवाल है ना बच्चों, डीआई का 75% सवाल, ये जो लाइन कह रहा हूँ बहुत इंपोर्टेंट लाइन है, आप ले समझो मेरी बात को। डीआई का 75% सवाल एक्सपर्ट होने के बाद आप ऑप्शन से कर सकते हो 75% सवाल। यदि आप ही जगह पर मैं पेपर दे रहा होता तो मैं क्या सोचता, देखो मेरी वे ऑफ थिंकिंग क्या होता, देखो ध्यान से। पहली बात है भाई ये तो आंसर कभी नहीं हो सकता भाई, पॉइंट वाले तो कुछ है ही नहीं, ये तो आंसर कभी नहीं हो सकता, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। देखो मैं कैसे सोचता यार, देखो ध्यान से, आपने सबको जोड़ दिया होगा, मैं ऐसे नहीं करता। देखो मैं क्या करता, मैं लास्ट वाले को जोड़ता। देखो क्यों मैं लास्ट वाले को जोड़ता, देखो लास्ट में यहाँ 8 दिया गया है, यहाँ 9 दिया गया है, यहाँ 0 दिया गया है,
तो बाकी पंगा क्यों लो, मैं लास्ट वाली देख लेता हूँ क्या होगा। देखो यहाँ पे 8 + 8 = 16, 16 + 5 = 21, 21 + 5 = 26, 26 + 2 = 28, लास्ट में 8 आएगा, 8 वाले तो एक ही ऑप्शन है, ये मेरा आंसर रहा होगा। समझ में आया नहीं आया मेरी बातें? ओके सर, जी सर, यस सर, यही मेरे साथ प्रैक्टिस। None of these में भी सर ऑप्शन हो सकता है ना, मतलब 458 होता है लेट्स से, जी आठ तो उसमें भी है, none of these option, जी मतलब हाँ probability एकदम एकदम सही बात कह रहे हैं भाई साहब आप। हम ये मान के चलेंगे none of these answer कभी होगा ही, ये हम मान के चलते हैं हमेशा, कहते हैं ना कफन बांध के चलते, ये सिस्टम है, मान के चलते none of these नहीं कभी होगा, क्योंकि यदि DI के सवाल में यदि none of these को मैं मानना स्टार्ट कर दू तो जो पेपर 20 मिनट का है वो करने के लिए मुझे 50 मिनट लगेगा। तो ये डीआई करने के तरीके होते हैं कि इसी अप्रोच से हम डीआई कुछ करेंगे। वैसे देखिए इसमें क्या प्लस करेंगे तो कोई भी आंसर निकाल सकता है, बट जब 20 मिनट में आपको 40 सवाल करना होता है ना तो वहां पर ये अप्रोच लगाना पड़ेगा, और यही यही किसी को एप्टीट्यूड कहा जाता है कि भाई आप कैसे एप्टीट्यूड लगा रहे हैं। हम हमेशा क्या करते हैं बच्चों, नन ऑफ दीज नहीं होगा ये मान के चलते हैं, कभी कल हम गलती भी हो सकते हैं, एक दो सवाल हमारा गलत भी हो सकता है, बट ये मान के चलेंगे कोई बात नहीं चलेगा, इतना मैं कोई बानी दे सकता हूँ पेपर में। तो आपकी अप्रोच क्या हो गया, सिंगल डिजिट देखने का ट्राई करना, यदि कुछ हो रहा होगा ठीक है, बाकी अनुमान भी लगा सकते हो। इसके जो आंसर है 450 के आसपास है, 450 के आसपास है, 450 के आसपास एक ही ऑप्शन है आपके पास में, यस या नो। जो लास्ट डिजिट वाला जो अप्रोच है ना, आपको मैक्सिमम जगह पे काम करेंगे ये चीजें, ठीक है भाई। कभी कभी गलती भी हो जाता है, ऐसे में नहीं बोलते गलती नहीं होता है, बट 99% में सही होता है पेपर। तो देखिए आप जैसे इन्होंने सोल्यूशन लिखा हुआ है अपने दीदी को कितने कैलकुलेशन किया गया है, बट कैलकुलेशन तो आंसर 448 ही निकला। अब इतनी कैलकुलेशन करने में टाइम नहीं वेस्ट होगा बताओ मुझे, मैंने कैलकुलेशन आपको दिखा ही नहीं मैंने आपको, इसलिए आपने दिमाग चला लिया। यदि आप कैलकुलेशन देख लेते तो आपका दिमाग ही नहीं चलता, फिर आप इसको कॉपी करने की ट्राई करते आप लोग। पहले सवाल सारे बच्चों को समझ में आया? जी सर, यस सर। अगला सवाल है बेटा, व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय दीज स्टूडेंट इन हिस्ट्री। हिस्ट्री का मुझे एवरेज नंबर चाहिए, एवरेज मार्क्स चाहिए, राउंडेड अप टू टू डिजिट ओनली, ठीक है जी। समझ में आ गया सवाल, समझ में आया? मुझे हिस्ट्री का एवरेज नंबर चाहिए भाई, चलेगा? अब मैं चार्ट में जाऊंगा, मैं क्या देखूंगा, हिस्ट्री। हिस्ट्री कहां दिख रहा है मुझे, यहां पे दिख रहा है। अब मुझे इसी का तो एवरेज निकालना है, यस या नो। अब यहां से लेके इसी का तो एवरेज निकालना है ना मुझे। एवरेज का मतलब क्या होता है, सम बाय टोटल नंबर। तो क्या मुझे ये बताइए, 40 नंबर का पेपर है, इसको 32 मिला, यहां पे कितना मिला होगा, 28 मिला होगा, यहाँ पे कितना मिला होगा, 28 मिला होगा, यहाँ पे कितना, 24 मिलेगा, यहाँ पे कितना, 36 मिलेगा, यहाँ पे कितना, 6 × 24 मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा, 8 × 32 मिलेगा। सबको जोड़ के कितने लोग है भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्या सबको जोड़ के हम 7 से डिवाइड कर सकते कि नहीं कर सकते? जी सर, करो निकालो आंसर, टाइम लगेगा बट आंसर आएगा, गलती नहीं होगी। मैंने बोला ना फ्री का नंबर है, थोड़ा सा दिमाग लगा, फ्री का नंबर है। कितना आंसर है बच्चों, निकालो। जी सही आंसर आपका। जो डीआई की क्लास है वो ऑफलाइन में पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं ऑफलाइन बच्चों को भी डीआई क्लास ऑनलाइन ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि वहां पे चार्ट सबको दिखता होता है, सॉल्व करना आसान होता है। बोर्ड पे चार्ट कौन बनाएगा बताओ सर? ऑफलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट है, आई कुछ न्यूज? अगले मंडे से 99.9% होने की संभावना है। तो फिर सर
टाइमिंग क्या रहेगी क्लास की, 6 बजे के बाद लगा सकते हैं क्लास? ना जी, 6 बजे से पहले, 6 बजे से बाद वाला टाइमिंग नहीं है, गवर्नमेंट अलाउ नहीं किया है। सर 204 तो आपको वो आ गया ना, सम आ गया, उसको 7 से डिवाइड कीजिए, उसको 7 से डिवाइड कीजिए। 29.14 जी जी, सही आंसर है। तो फिर सर जैसे मैं जॉब करता हूँ तो मेरी ऑनलाइन ही चलेगी इसके बाद? ऑनलाइन चलेंगे, ऑनलाइन चलता रहेगा, ऑनलाइन नहीं बंद होगी, क्योंकि बहुत बच्चे जो ऑफलाइन नहीं आएंगे वो ऑनलाइन चलता रहेगा भाई, ऑनलाइन हमारा हमेशा चलता रहेगा, जैसे जो बैच ऑनलाइन है वो चलता ही रहेगा। ओके सर। सर ऑफलाइन कितने आवर्स लगती है क्लास, जैसे पीएस टेट की है? 2 घंटे मैडम। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन 2 घंटे मैडम, ज्यादा पढ़ा दो तो फिर क्या दिक्कत है, ज्यादा नहीं पढ़ना क्या आपने? नहीं वही तो फायदा है ना, ऑनलाइन आप ज्यादा करवाते हो, ऑफलाइन फिर 2 आवर्स, जैसे हम दूर से हमने तो मतलब मूव ऑन करना है ना फिर वहाँ पे, तो फिर हमारे लिए ऑनलाइन ही सूटेबल है। मैडम ऑनलाइन बेस्ट है मेरे हिसाब से ना, देखिए ऑनलाइन में भी ऐसे कोई बच्चे जिसको मेरी क्लास समझ में ना आ रहा है ऑनलाइन में? आ रहा है सर। मुझे ये बात बताओ बच्चों, यदि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो क्या आप लोगों को समझ में नहीं आ रही चीजें, बताना मुझे। आ रहा है सर समझ में। 100% समझ में आ रहा होगा, ऑफलाइन में कम क्यों ना आ रहा हो बट ऑनलाइन में ज्यादा समझ में आ रहा होगा, ये जितना मुझे लगता है। यस सर। ठीक है बच्चों, सबका आंसर 29.14 आ गया, इसमें किसी को डाउट है? यस सर आ गया बेटा, सबका आंसर 29.14 है, 204 को 7 से भाग किया तो आंसर हो जाएगा 29.14, डिवाइड खुद से करेंगे, मास्टर जी नहीं सिखाएंगे आप। जी सर। चलेगा? जी सर। यस सर। अब आप करेंगे बच्चों सवाल नंबर, देखिए सवाल नंबर 3 कहते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट हैव गॉट 60% और मोर मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट, कितने स्टूडेंट है जिनको 60% उससे ज्यादा नंबर मिला, दिया गया 1, 2, 3। सवाल समझ में आया? जी सर। कितना स्टूडेंट को 60% या उससे ज्यादा नंबर मिला, तब चार्ट मुझे देखना पड़ेगा, देखो चार्ट यहाँ देखो, बताओ मुझे आंसर, चार्ट देख के आंसर बताओ मुझे, कितना परसेंट बच्चे जो 60% से ज्यादा नंबर मिले। पीछे जिसका डिस्टर्बेंस हो माइक ऑफ कर दे। 2 बच्चों को। मेरा और कुणाल 2 बच्चे को। किस किस का माइक ऑन है? गुरसिमरन जी का आपका माइक ऑन है क्या? यस सर। डिस्टर्बेंस तो नहीं है पीछे? डिस्टर्बेंस तो नहीं है आपके पीछे? नहीं सर मैं तो अकेला हूँ। चलो फिर तो ठीक, अकेला ही कुछ अकेला ही रहो, खुश रहोगे जिंदगी में। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 3 कहते कितने बच्चे 60% या उससे ज्यादा नंबर मिले, वो कैसे देखेंगे 60% या उससे ज्यादा। पहले मैंने किसको देखा, मीरा को देखा, जैसे 50% यहाँ देखा ये फेल हो गए, आगे चले चलता हूँ, इसको नहीं ले सकते। सुबोध को देखो 80, 70, 80, ये 40 देखा ये भी गया, ये भी आउट है टीम से। कुणाल को देखो 90, 70, 60, 90, ये कुणाल पास है 60 से ऊपर सब में। उसके बाद सोनी को देखो 60, 60, 65, 65, 80, 80, ऐसे ये भी पास है भाई। अगला देखो रिचू को देखो, ये 50 आते ही आउट हो गई। ईरानी को देखो ये भी आउट हो गई। विजय को देखो 35, ये भी आउट हो गया। तो 2 ही बच्चे हैं जिनका क्या है 60 या उससे ज्यादा आंसर है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। जी सर। मतलब चीजों को समझना है, डाटा को वहां पर देखना है क्या, इसमें कोई मुश्किल था क्या इसको पढ़ने के समझना है बच्चों? देखने से सर लग रहा था कि पता नहीं कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वही तो बात है, आपको लगता है पता नहीं क्या करना पड़ेगा, आप सोच रहे होंगे, कुछ बच्चे परेशान होंगे इतना लंबा सवाल से कैसे करेंगे। सर ये वही कंसेप्ट है ना जो आपने समझाया था कि पहले 2 टफ होंगे, थर्ड वाला इजी होगा। जी जी जी, वही कहा था ना कि लोग थर्ड वाला देखते नहीं, भाग जाते आगे, उनको लगता है सारे टॉफी मिलेंगे। तो ये अप्रोच है सवाल बनाने का। अब यहाँ पे देखते हैं अगला सवाल लेते हैं, इसे मुश्किल कुछ नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए एक्सपर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे दिया गया है
व्हाट इज द अवेयर परसेंटेज ऑफ कुणाल, व्हाट इज द अवेयर परसेंटेज ऑफ कुणाल, कुणाल के अवेयर कितना परसेंटेज मार्क्स मिला कुणाल का, ये कहा गया है। तो कुणाल का परसेंटेज यहाँ देख लेते हैं भाई, अवेयर कितना मिला हुआ है। तो कुणाल का यहाँ पे कहाँ गया कुणाल, ये है कुणाल, यहाँ पे 90% मिला है, 70 मिला है, 60 मिला है, 90 मिला है, 70 मिला है, 60 मिला, 70 मिला हुआ है। ओवर कितना परसेंट मार्क्स मिला कुणाल को बताओ मुझे, यहाँ 90 है, 70 है, 60 है, तो देखो 90 है, 90 है, 60 है, तो 9 छह कितना हो गया 54 हो गया, ये कितना हो गया 54 हो जाएगा ना, यहाँ पे 9 छह के 54 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा अगला वाला वर्ष बच्चों, 7 चौका 28 हो जाएगा, अगला वाला 6 13 छक्के 78 हो जाएगा, ऐसे कर लो सोल्व। मतलब इसमें ज्ञान कम चाहिए, कैलकुलेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, इंटरटेनिंग नहीं है, बट पेपर में यही आता है तो पढ़ना पड़ेगा। बोलो भाई साहब, बोलो बोलो, कुणाल का ओवरऑल कितना परसेंट मार्क्स है सर? जैसे रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं ये कहाँ पर अपलोड होती हैं सर? ऐप पे अपलोड होती है, हमारे ऐप पे भी अपलोड होती है, कुछ YouTube पे भी डाल देते हैं कभी-कभार। ओके, ऐप में सर कहाँ पर होगी अपलोड? मुझे वो आपको ऐप पे सामने सामने जैसे डलेगा ना तो पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई वीडियो डाला है देख लो। ओके सर, सामने सामने मैसेज आएगा आपको। जी सर। हाँ बच्चों बताओ इसका आंसर। 65% ठीक आंसर लग रहा है मुझे आपका। ऑप्शंस दिखाना एक बार, आंसर दिखा देंगे मेरे बच्चों को, निकालने दो सबको, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ने के बाद टोटल कितना मार्क्स देखो, यहाँ पे टोटल मार्क्स कितना 120 में 80, 200 हो गया, 350 हो गया, 350 ये हो गया, उसके बाद हो गया 350 और 130, 480, 480, 520, 520 और 60, 520 और 60 कितना 580 बन जाए क्या, इनसे डिवाइड कर दो तो टोटल मार्क्स उसका 435 मिला हुआ है। यस या नो? हाँ जी सर। टोटल 435 में मिला ना उसको? हाँ जी। 435 मिला हुआ है, अब इसको क्या करोगे, टोटल मार्क्स से डिवाइड कर दो, इसको टोटल नंबर से डिवाइड कर दो, टोटल मार्क्स जो है into 100%, यही आपका आंसर है। 75%, ठीक है ना, 435 divided by total marks, total marks कितना है भाई? 580, तो क्या लिखोगे, 435 बट्टा 580 गुना 100%, 0 से 0 चला गया, 2 से काटा 5 दुनी 10 होता है, 2 से 2 पंच 10 होता है, 2 से कितना हो जाएगा ये 29 हो जाएगा, है ना, 29 से 1 29 हो गया, 29 गुना 15 ये हो जाएगा, 5 से कट रहा होगा, 15 पचे कितना होगा 75% होगा, ये आपका आंसर है। मुश्किल है यहाँ तक किसी बच्चों के लिए? बोलो बोलो। नो सर। सवाल नंबर देखिए, मुश्किल कुछ में कैलकुलेशन वो सबको करना पड़ेगा, आपको नहीं वो सबको करना पड़ेगा जो पेपर देने जाएंगे, ठीक है जी। तो पहले में देखो 75% आंसर है ना, लास्ट में देखो, यहाँ लास्ट में 75% देखा रखा है, देख रहा है? हाँ जी सर। अब देखो सवाल नंबर 5 में देखो, इन व्हिच सब्जेक्ट इज द ओवर परसेंटेज इज बेस्ट, किस सब्जेक्ट में सबसे अच्छा नंबर है, इन व्हिच सब्जेक्ट इज द ओवर परसेंटेज, मतलब ओवरऑल सबसे ज्यादा नंबर बच्चों कौन सी सब्जेक्ट में आया हुआ है, ऑप्शन दिया मैथ, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस, इसी चार में देखो, अब जैसे नन ऑफ दीज है ना, अब कोई बच्चे इसको देखेगा तो फिर ये मत देखो, ये तो फिर गलत हो जाओगे, ये चार को देखो, मैथ, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस, यदि आप जैसे आप स्टार्टिंग बोले थे ना कि सर नन ऑफ दीज होगा तो क्या होगा, अब मुझे क्या करना होगा इस सवाल के लिए, मुझे सातों ऑप्शन सातों सवाल को देखना पड़ेगा, सातों सब्जेक्ट देखना पड़ेगा मुझे, बट मैं ये नहीं होगा मान के चलता, मुझे चार ही देखना पड़ेगा,
मैथ, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस, यही है ना क्या? मैथ, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस, यहां पे देखो। अब यहां पे देखो मैथ, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड साइंस, ये चार को हमें देखना है। देखो किस में इनका नंबर सही सही लग रहा है आपको देखने में ध्यान से। अब यहां पे देखो इकोनॉमिक्स को आप देखते हो ना बच्चों, इकोनॉमिक्स को देखते हो तो ये 60 है, 40 है ना, नंबर कम हुआ यहाँ पे इसमें, ठीक है जी। अब साइंस को देखो 90 है, 80 है, 70 है, 80 है, 50 है, ठीक है जी। मैथ को देखते हैं 90, 100, 90, 80, 80, 80, ये इन दोनों से तो बड़ा है। अब ये दूसरा कौन सा है भाई? हिस्ट्री में 80, 70 तो वैसे भी कम है, मैथ इसका सही आंसर होगा। तो कुछ जब एनालिसिस भी करना होता है, अब देखो सारी चीज सोल्व करने वाला तो नहीं है, पहले दो मुश्किल था, लास्ट के तीन तो आसान आया ना। सर इसका कोई शॉर्टकट वो ट्रिक नहीं है सर? कोई ट्रिक नहीं मैडम, अगर सारी चीज का शॉर्टकट हो जाता फिर सारे बच्चे नौकरी लग जाते मैडम। सर समझ नहीं आया क्या एवरेज कैसे, इधर तो 150 नंबर आपको 80 है भाई, वो नंबर 150 हो या 80 हो, बट परसेंटेज हम डील कर रहे हैं, हम परसेंटेज को देख रहे हैं ना, हम तो परसेंटेज को फोकस कर रहे हैं। अब देखो मैथ में परसेंटेज बच्चों देखो बाकी तुलना में ज्यादा आया हुआ है, देखो 90 है, 100 है, 90 है, 80 है, मैथ में ज्यादा परसेंटेज है, बाकी में कम कम है, तो मैथ में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा बच्चों का, ठीक है भाई। नंबर कम हो या ज्यादा हो ऊपर में जो टोटल मार्क्स है, परसेंटेज के हिसाब से देखना है ना आपने। जैसे मान लो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, देखो ध्यान से देखो, एक बच्चे को 20 नंबर आया, एक को मान लीजिए 30 नंबर आया, मैं कहूंगा दोनों में बेहतर कौन है, मैं कहता हूँ एक को 20 नंबर आया, दूसरा को 30 नंबर आया, दोनों में बेहतर कौन है भाई? 30 नंबर वाला। हाँ 30 नंबर वाला सर, 30 वाला बेहतर है, गलत आंसर है आपका सर। टोटल ही नहीं पता जब जी, जब तक मैं टोटल यहाँ पे ना दू तब कैसे बता पाऊ कौन बेहतर है नहीं है, टोटल मुझे देना पड़ेगा नीचे में। ऐसे भी तो हो सकता था कि 20 नंबर इसको आया है 100 में से, इसको 200 में से 30 नंबर आया है, अब इसको कितना परसेंट मार्क्स मिला? 20% मार्क्स मिला। इसको कितना मार्क्स मिला? इसको कितना मार्क्स मिला? इसको 200 में से 30 नंबर आया तो इसको मार्क्स कितना मिल गया? 15% मार्क्स मिल गया। तो भाई देखो परसेंटेज के हिसाब से ये बेहतर हुआ ना, ये थोड़ा बेहतर हुआ, नहीं सर टोटल पता होनी चाहिए भाई। Yes or no? हाँ जी सर। चलो अब अगला सवाल लेते हैं, ये प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक है, इसमें ज्यादा सिखाने वाली बातें नहीं है, पर जितना चीजें मैं सिखाने का ट्राई करूं आपको समझ में आ रहा होगा बातें, है ना। अब एक सवाल लेते हैं आगे जाके, और कैलकुलेटिव सवाल लेते हैं। अब देखो ये डाटा देखिए, डर लग रहा है आपको? लोग देखो ये डाटा जो दिखा रहा हूँ आपको, देखो कितने जबरदस्त डाटा है। हाँ जी सर। अच्छा लगा देखिए आप लोग? बिल्कुल नहीं सर। देखो यहाँ अब इतनी बड़े बड़े नंबर से लोगों देखते ही टेंशन हो जाता है, क्या किया जाए इसको, कुछ नहीं सोल्व करना पड़ेगा आपको। देखो ध्यान से अब यहाँ पे क्या दिया गया है, टेबल ही बहुत बड़ा है सर। हाँ तो ऐसे ही टेबल पेपर में आते हैं। देखो कहता है 2002 से लेकर 2007 की सारी कहानी दिया गया है, पांच स्ट्रीम है, कौन कौन से स्ट्रीम है? आर्ट, साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, आईटी दिया गया है, ठीक है जी। 2002 से लेकर 7 तक कहानी है, बॉयज दिया गया है 556 से, ये क्या है? गर्ल्स है, इन दोनों को मिला दोगे तो टोटल बच्चा आ जाएगा, है ना। ये सारी कहानी दिया गया है, चार्ट दिख गया सबको? हाँ जी सर। चार्ट समझ में कोई दिक्कत? अब सीधा हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे सवाल पे, सवाल क्या कहता है बस आंसर करना स्टार्ट कर देंगे। देखो पहला सवाल, What is total number of boys in all the stream together in the year 2004 में? देखो 2004 में देखना है, लेना किसको है? बॉयज को। 2004 ये है, लेना बॉयज को है, तो बॉयज इधर देखो, बॉयज दिख रहा आप लोगों को? यस या नो? बॉयज यही है ना भाई साहब, देखो बॉयज यही है, बॉयज ही है, इनको जोड़ दो आंसर आ जाएगा आपका। मतलब उस चार्ट में से जो आपके काम का चीज वही निकालना होता है। बी ऑप्शन 36 30
सर मैंने टोटल नहीं किया बट तो जीरो आ गया लास्ट में, तो जीरो एक ही क्वेश्चन में है, बस वही आंसर हो गया। बस यही तो मैं सिखाना चाहता हूँ, थोड़ा दिमाग चल। देखो आज जैसे मैंने इस पॉइंट पे बात किया कि ऐसे भी किए जा सकते हैं, तो आपके दिमाग के बाद स्ट्राइक किया ना सवाल दिखने ही दिखते ही, मान लो ये बात मैं भी क्लास में नहीं बोलता, फिर उस एंगल से आप लोग सोचते नहीं ना कि ऐसे भी कुछ हो सकता है। जैसे उसका प्लस किए होंगे आप लोगों ने, दो जीरो, दो प्लस नौ दो ग्यारह, ग्यारह आठ उन्नीस एक बीस, तो जीरो आ गया, जीरो वाले एक ही ऑप्शन आंसर होगा आपका। हाँ जी सर। किसी को लगता है कि सर नॉन ऑफ दिस है तो कोई बात नहीं, आप जोड़ लो, अब बस एक ही ऑप्शन जोड़ना पड़ेगा। फिर आप आगे चले। यस सर। तो जितने खतरनाक चार देखे मैंने लग रहा था, क्या उतना खतरनाक सवाल है? नो सर। नो, मान लो जोड़ना होता तो भी जोड़ लेते, क्यों जोड़ के टाइम वेस्ट कर, आगे चलते। द नंबर ऑफ बॉयज इन आर्ट स्ट्रीम इन ईयर 2004 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर बॉयज इन ऑल द ईयर टुगेदर इन आर्ट स्ट्रीम। अब ये सवाल हो गया जबरदस्त, ठीक है जी, निकालो इसका आंसर, टाइम लगेगा, एक बार जोड़ना पड़ेगा, गुना भाग बहुत लंबी कर लो, निकालो एक बार इसको। सर चार्ट दिखा दो। आप लोग सवाल लिख लिया, आप नोट कर लिया आप लोगों ने? नहीं सर। सवाल समझ में लिख लो ना, भाषा में लिख लो हमें क्या क्या चाहिए। तो नंबर बॉयज इन आर्ट स्ट्रीम, हमें 2004 का नंबर बॉयज चाहिए आर्ट स्ट्रीम में, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर बॉयज ऑल द इयर्स टुगेदर, सारे बॉयज चाहिए हमें आर्ट स्ट्रीम का। तो देखिए आर्ट स्ट्रीम की बात हो रही है ना, तो आर्ट स्ट्रीम हमें देखना पड़ेगा, आर्ट वाले कहाँ पे, इधर है ये वाला आर्ट स्ट्रीम, ये वाला देखो। तो इसको क्या करना पड़ेगा पता है आपको, करो खुद ही करो पहले। सर इसमें सिर्फ 2004 का ही पूछा है ना? क्या क्या? कि टोटल पूछे हैं जितने भी आर्ट्स नंबर बॉयज इन आर्ट सिस्टम 2004, तो 2004 में कितना बॉयज है बेटा? 672, 672 बेटा क्या करना पड़ेगा? 36 टोटल करना पड़ेगा, टोटल कितना है? इस बॉयज को टोटल करो, इसका तो 2004 का बोला ना, ये तो हमने अभी अभी किया था, देखो यार अभी अभी किया था, 3630 ना, 100% करो, ये आपका आंसर है। हां जी सर, पॉइंट भी चाहिए आंसर दिखाओ। आर्ट स्ट्रीम का पूछा है सर। यस सर, आर्ट्स का ही पूछा है। ओ आर्ट्स का पूछा हुआ है भाई, तभी तो आर्ट्स का पूछा हुआ है, तो फिर ये लो ना, सर ये 3434 सही आएगा नीचे। 2004 बोला हुआ है ना सर? 2004 बोला है, एक सवाल 672 ही आएगा ये, रुक जाओ इसका तो सर फिर यही है, द नंबर बॉय 2004 तो ठीक है लिख दिया, 672 लिख दिया मैंने, टोटल बॉयज इन ऑल द इयर्स टुगेदर आर्ट स्ट्रीम, तो आर्ट स्ट्रीम में टोटल बॉयज है ना, बॉयज फॉर ऑल द इयर्स टुगेदर इन आर्ट स्ट्रीम, तो आर्ट स्ट्रीम में टोटल बॉयज क्या है? आर्ट स्ट्रीम में टोटल बॉयज ये लेना पड़ेगा ना, ये सारे लेना पड़ेगा ना, सर इयर्स बोला ना, ये लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, देखो ध्यान से, यस सर, करो कैलकुलेशन। आपको मैं पहले 5-7 सवाल से पता चल गया होगा, इस टॉपिक में कोई जान नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, यस या नो? ऑप्शंस दिखाना एक बार, ये ऑप्शन सर अप्रोक्सीमेटली के हिसाब से तो 16% बन रहा है, बस वही आंसर होगा। अभी मैं ये भी, आप देखिए मैं अभी वो भी सिखाऊंगा कि अभी चीजों को कैसे सॉल्व करना, दिमाग लगाने कैसे, मैं वो भी सिखाने वाला हूं आप पे ना, मैं बोला सवाल के साथ बहुत लंबी जा रही है सर, आप बता दो, मैं बता दूं, अब मेरे एंगल समझिए आप लोग, कितना है 672 बटा टोटल कितना है, 672 बटा कितना है, 4243 4243
है ना। अब ये कितना परसेंट है, यही सवाल है। सबसे पहली, सबसे पहली बात है बच्चों ना, सवाल को देखते ही सबसे पहले ऑप्शन देखो। ऑप्शन क्या है, 27, 34, 8, 39, 16। ऑप्शन एक बच्चा नोट कर लो, कोई बच्चा ऑप्शन लिख लो कहीं पे आप लोग। 27, 34, 8। देखिए हमें इसी में सांस से बतानी, हमें अपने दिमाग नहीं लगानी। तो जब पॉइंट वाले ऑप्शन ही नहीं है तो पॉइंट वाले क्यों दिमाग लगा रहे हो। मैंने क्या बोला था, 80% सवाल मैं तो ऑप्शन से ही सोल्व करूंगा, मैं तो सोल्व भी नहीं करूंगा सवाल को। देखो मैं कैसे इसको अप्रोच लगाता हूँ, मेरा अप्रोच आप लोग देखिए इसको करने का। ये कितना परसेंट होगा, क्या क्या ऑप्शन था, ऑप्शन बताना मुझे एक बार। ऑप्शन क्या क्या था आपके पास सर? 27, 34, 8, 39 और 16। अब देखो क्या आपके अप्रोच क्या होनी चाहिए, मतलब आपकी नींद में भी हो ना तो भी आंसर सवाल गलत नहीं होना चाहिए। देखो कैसे मैं इसको चेक करता हूँ सवाल को। देखो ऊपर में 672 है ना, तो इसको टारगेट बनाओ 672। देखो 672 हम कैसे पहुंचेंगे, अब मेरे बात ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपोर्टेंट लाइन बता रहा हूँ आपको, जिंदगी बदल सकती है लाइन सुनने के बाद। देखो 4243 है, 4243 का बेटा 10% जो होगा 424.30 रुपया होगा। इसमें कोई डाउट है? नो सर, आज ही सिखाया था। एक के बाद डेसिमल लगा दो तो कोई वो 10% हो जाएगी। इसमें कोई डाउट है किसी को क्या? नो सर। अब मेरी बात समझिए, कभी भी ना जो डेसिमल की बाद का नंबर हो इसको हमेशा इग्नोर कर दो। 30 पैसा से क्या फर्क पड़ता, कौन गरीब हो जाएगा 30 पैसा लेके, तो उसको इग्नोर कर दो। लास्ट वाले को हमेशा इग्नोर, डेसिमल के बाद वाले को हमेशा इग्नोर कर दो। तो बेटा 10% 424 हो गया, तो 5% कितना हो जाएगा, क्या 212 होगा? ये आधा हुआ तो ये भी आधा होगा, सिखाया था मैंने जी सर। यस सर। तो इसके मतलब 426 हो गया, 213 हो गया, 426 हो गया। मीन्स यहाँ पे 636 रुपया होता ना बच्चों, तो आंसर कितना होना चाहिए था, 15% होता। 10 + 5 = 15% 636 होता तो 15% आंसर होता। मैं इतना में समझ गया, मेरा जो भी आंसर होगा वो 15% के आसपास होगा। तो आपको नहीं लगता है ये सारे बकवास है? देखो ध्यान से, 15% के आसपास एक ही ऑप्शन दिया गया, 16। ये मेरा आंसर हो गया, मैं क्यों कैलकुलेशन करूं इसके आगे? यस या नो सर? कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसमें से 10% से लेना हमें। मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, जब 10% टाइप के, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ, हमेशा 10% के हिसाब से ही देखना होता है। आगे जाके मैं आपको ये भी सिखाऊंगा, यदि ये 16 होता, ये 18 होता, ये 19 होता, ये 14 होता, तो क्लोज वाले को कैसे देखना वो भी आगे जाके सिखाऊंगा। अभी नहीं, आगे जाके सिखाएंगे क्लास 2 में या 3 में। अभी के लिए समझ में आया मेरी बात आप लोगों को? हाँ जी। बट आप लोगों ने क्या स्टार्ट किया होगा, 672 को 4243 गुना 100%, काटा पिट्टी मचा दिया होंगे आप लोगों ने, इतनी काटे होंगे सवाल कट गया होगा सर, शीट खत्म हो जाती, खुद भी कट जाते, सवाल नहीं आता, आंसर नहीं आता जी सर। तो इसीलिए कहता हूँ ना भाई, स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क से ही नौकरी लग सकते है। देखो मैंने कितना आसान तरीका नहीं बताया, मैंने कुछ किया नहीं किया, बट मुझे आंसर तो मिल गया ना मेरा। हाँ जी सर, बहुत इजी था। मैंने निकाला 10% 424 होगा, आधा कर दिया 212, मैंने दिमाग लगा 636 होता 15%, 16% ऑप्शन, बस वो आंसर हो गया। मैं बाकी आपको जो भी के लिए आंसर 16% ही आएगा, करके देखिएगा आप लोग। जी सर जी, ठीक है जी। अगर आप चाहते हो कि सर 1% वाले भी कहानी सुना दो तो मैं वो भी समझा देता हूँ। देखो 16% क्यों आएगा, देखो अप्रोक्सीमेटली, देखो ध्यान से। अब 15% 636 हो गया, बट ये कितना है, 672 है, तो बाकी कितना कम रह गया बेटा, बाकी तो 37 ही कम रह गया ना भाई। 636 में 37 जोड़ेंगे तो ना 672 पहुंचेंगे। अब मुझे ये बताइए, 672 का जो 1% होगा कहां पे से, ये पे था ना, 36 में कम रह गया ना हमारा, ये यस सर 36 आएगा इधर, है ना, 36 में कम हो गया बच्चों। अब यहां पे देखो, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ध्यान से, 10% कितना था, 42 था, 10% कितना था, 42 था, तो जो 10% 424 था बच्चों, तो 1% जो होगा
अप्रोक्सीमेटली 42 के आसपास आएगा, ये 37 के आसपास है, तो दोनों बातें क्लोज ही है ना, देखो ध्यान से। यस या नो? यस सर। इसलिए आसपास में ये 16% हुआ। दोबारा बताना सर, दोबारा बताना क्या कह रहे हैं सर दोबारा, 672 से। देखो ध्यान से, देखो यहाँ कैसे पता चलेगा कौन सी ऑप्शन है मैडम? यहाँ पे देखिए, आपके आंसर 15% के आसपास आया, तो 15% के आसपास 16% है ना मैडम। अब 15% के आसपास यहाँ पे ऑप्शन है 27, 34, 8, 39 है, तो 15 के ज्यादा पास 16 है ना। कोई कहेगा सर ये 34 वो गलत कह रहे हो, या 8 कहेगा वो भी गलत कहना है, 15 के पास में जाके देखो। अभी दो चार सवाल करोगे तो अपने आप समझ में आने स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपको 724 डिवाइडेड बटा ठीक है 2848 ऐसे कह दिया, ये कितना परसेंट होता है होगा अप्रोक्सीमेटली मुझे बताइए, अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट होगा ये? अब दिमाग लगाओ कि अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट के आसपास होगा। सर 25% के आसपास। जी ठीक कह रहे हैं यार मैडम, देखो कैसे पता लगाएंगे बेटा, 10% कितना हो जाएगा 284 हो जाएगा। यस या नो? इसका हाफ। अरे हाफ हमेशा हाफ नहीं करेंगे, 10% 284 होगा। यस या नो? यस हां जी सर। बट मुझे कहां तक जानी है, 724 तक जाना है, तो भाई इसको इसको आगे बढ़ानी है ना, आगे बढ़ाने के लिए तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। यस सर। यस सर। यस या नो? यस सर। तो 10% 284 हो गया ठीक है, 10% और ले लो तो फिर से 284 हो जाएगा। तो अभी भी हम 724 में नहीं पहुंचे हैं, अभी हम कहां पे हैं, 600 के आसपास से हम लोग, 5% और ले लो तो 5% कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 142 हो जाएगा। अब इसको जोड़ के देखो, 4 ये जो हो गया 25% हो गया, हम यहां से पहुंच चुके हैं 724 के आसपास। हमें एग्जैक्टली यहां से किससे निकालने का आपको कहा हुआ है, आपको अप्रोक्सीमेट आंसर निकालिए डीआई में, ये सबसे बड़ी मिथ होती है डीआई के लिए, डोंट कैलकुलेट द एग्जैक्ट आंसर, ऑलवेज कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट आंसर इन डीआई। बाकी सवाल के थ्रू करेंगे, ज्यादा समझ में आएगी, सवाल में 4 ऑप्शन दिया गया होता है उसका निकालना आसान होता है। ये बेसिक सिखाने का ट्राई किया, समझ में आया क्या आप लोगों को बच्चों? Yes, देखो sir. जो 10% निकालोगे ना, कभी तो इसको आधा करना पड़ेगा, कभी इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 2 गुना 3 गुना, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है यहां से लेकर यहां पहुंचना। यदि ये जो नंबर है मान लो ये बड़ा है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मान लो ऊपर में होता ही, मान लो ऊपर में होता, मान लो 145 होता, मान लो सिर्फ 145 होता, तो मुझे तो इसको आधा करना पड़ता तो आगे जाके। सवाल के थ्रू समझते हैं बेटा, सवाल के थ्रू समझेंगे बहुत समझ में आएगा। ये सारे चीजें मैंने वो जो वीडियो मैंने जो बताया था आपको उसमें डाल रखा है मैंने, कि कैसे इन बातों को समझा जाता है डिटेल में, ये तो कभी चेंज होने वाली बातें नहीं है, जो चीज चेंज नहीं है वो वीडियो लेक्चर्स में बनी हुई है। सवाल नंबर 3 पढ़ो, सवाल आंसर अपने आप आ जाए, पढ़ो सवाल नंबर 3। सवाल नोट कर लिया आपने? देखो सवाल पे लिख लिया करो, फिर ऊपर नीचे 2-3 बार करना पड़ेगा। देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल द स्ट्रीम टुगेदर फॉर द ईयर 2007? 2007 में सारे स्ट्रीम में जितना बॉयज है और जितनी गर्ल्स है उनकी मुझे रेशियो निकालनी है 2007 के सारे स्ट्रीम में, है ना। 2007 में चलते हैं, 2007 में तो ये हो गया, अब यहाँ से बॉयज को ऐड कर लीजिए, गर्ल्स को ऐड कर लीजिए, दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, आप आंसर आ जाएगा।
जो बच्चे मैं ये एक्सरसाइज ये करवा रहा हूँ आज आपकी ऐप पे अपलोड कर दूंगा ये पेपर जो ये है ना जितना भी डीआई का सवाल है, तो ये जो पेपर है मैं ये पीडीएफ आपको अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग ऐप पे जाके इनको बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा, ये भी क्लास के आधा घंटे एक घंटे बाद ऐप पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है? उसमें लिखा होगा डीआई पीडीएफ, ऐप पे जाके ऑप्शन दिखा दो, ऑप्शन दिखा दे मैडम, बच्चों ने ऐड कर लिया सारे बच्चों ने, लो मैडम ये ऑप्शन है, नहीं सर ऐड करना गलत रह गई, ओहो लो जी दूसरी बात है आज एक अच्छा वीडियो अपलोड किया, कुछ नई चीजें भी बता रखा मैंने उसमें रेशियो के ऊपर, सारे बच्चे अभी क्लास के बाद रेशियो देख लेना, रेशियो यहाँ पे भी काम लगेगा आप लोगों को, ठीक है? तो यूट्यूब पे आज वीडियो अपलोड हुआ है रेशियो पार्ट वन का, उनको देख लेना, बहुत काम की वीडियो है वो, अपडेटेड है उसमें कंसेप्ट है उसमें। सर उधर भी थोड़ा डायलॉग बड़ा बदल लग गया एक का, क्या डायलॉग था उसमें? मंगल ते माउंट एवरेस्ट वाला ही, तो कभी का डायलॉग बाजी करना पड़ता है ना यूट्यूब पे यार, क्लास बहुत मजेदार बात था वो। हां जी सर बहुत बड़े डिलीवरी देने तुम से वहां पे हमें कमेंट करना चाहिए ना सर, हम तो किसी ग्रह पे जाके भी हम पेपर पास हो जाएगा, हम कमेंट करना चाहिए सुनने के बाद। नहीं सर करता हूं मैं तो जड़ी भी देगा साहब। हां जी हां जी आपने किया तो सही कह रहे हो, नहीं आप सही कह रहे हो, डायलॉग तो सही था जी। सर ऑप्शन दिखा दो, सर ऑप्शंस दिखा दो, ऑप्शन दिखा दे भाई, ऑप्शन तो दो बार दिखा दिया, आंसर बताओ मुझे अब। अब यहाँ पे आप लोग आंसर मैच ही नहीं हो रहा होगा। हाँ जी सर ए ऑप्शन है, देखते हैं मैडम आप सबको निकालने दीजिए फिर पता चलेगा, ऐसे कैसे पता चलेगा? अरे बच्चों दिमाग लगाओ सर, इधर टोटल करके अपन दोनों दा तेज इना दा रेशियो दा टोटल करके ते भी कट सकते हैं, दोनों काट सकते हो क्या? वही करना है, दोनों को वही करना है, काटना ही तो है रेशियो को करके। अब कितना कितना है आपसे नहीं कटा तो मुझे बताओ मैं काट देता, बोलो कितना टोटल कितना कितना है बताओ मुझे एक बार। बॉयज 4503 बॉयज आ गए आप 4503, बाकी बच्चों के बॉयज यही है या 4503? अरे भाई सबका बॉयज आया है 4503 के, गलत कह रहा है 4473 आया सर, मेरा तो 4473 आया, 4473 है 4473 सबका, ये तो फिर यही ठीक होगा, उसके आगे 3570 आया, 3570 3570 बस काट दो आंसर आ जाएगा, अब क्या तकलीफ है इसमें, काटना तो है बट काटने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा ना, किससे कट रहा है ये चीजें, अब यही नहीं समझ पा रहे किससे काटे ना काटे। सर इधर ना इधर कर सकते जब मैं इन्हें तो दोनों का टोटल कर लिया तो रेशियो का टोटल करके कंपैरिजन करके देख ले। ना ना ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं, देखो इसको काट के देखते, देखो ध्यान से सर डी ऑप्शन आएगा आंसर, 21 से हो रहा है। किससे काटा है आपने? 21 से काट दिया, 21 से। हाँ जी 21 से, देख लो छोटा से काटेंगे ना दिन, बच्चों कहां दिमाग पहुंचेगा 21 से काटने, आप तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है मैडम, आप तो देखे यहाँ पे अब 4 4 8 अरे देखो यहाँ पे 4 4 8 7 15 3 18 हो गया, 7 5 12 3 15 देखो जब भी सम होगा ना तीन का मल्टीपल दिया गया हो ना तो पक्की बात हो तीन से कटेगा, याद रखना, देखो 4 4 8 7 15 3 18 है, 3 5 8 7 15 ये 18 है इनका सम, इसका सम कितना है 15 है, तो ये पक्की बात है तीन से कटेगा, कटेगा दोनों नंबर, तो काटो तीन से। सर ये तीन से तो कट गया सर, आगे नहीं कटा। 390 गर्ल्स आ गई, क्या क्या 3 से काट के सर, बॉयज 497 गर्ल्स 390 आगे नहीं कटा, अभी अभी आगे भी कटेगा मैडम टेंशन मत लो, कटेगा देखो तीन से काटा बेटा, 3 1 3 3 4 12 3 9 27 तीन एक ऐसे कुछ बना होगा। हाँ जी सर, गर्ल्स 1170 आ गया, तीन से काटेंगे बेटा, 3 1 3 3 1 3 3 9 27 1 1 9 ये आ गया है ना। हाँ जी सर, आप किससे कटेगा? 9 4 13 2 15 हो गया, 9 2 11 ये नहीं जा सकता, अब इसको अल्टरनेट 7 से 7 से काटो, तो 7 2 9 14 7 1 7 और 7 3 21 हो गया, 7 से काटो, 7 1 7 हो गया, 7 7 49 हो गया, 0 का 0 हो गया, आंसर मैच हो गया डी नंबर।
तो बेटा ये काटने वाले, टेबल पढ़ने वाले सारे काम खुद करना पड़ेगा आपको, इसमें कोई इलाज नहीं है। हाँ जी सर, मैंने ये गर्ल्स की कटिंग में आगे थोड़ी गड़बड़ कर दी, किया सही था जी। सर आपके पास होगा इसका भी शॉर्टकट सर, बता दो। अरे सबका शॉर्टकट नहीं है यार, रेशियो का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, रेशियो कहीं भी से कुछ भी हो सकता है, रेशियो में रेशियो कोई भी हम उसको सेट नहीं कर सकते। डन है यहाँ तक बच्चों, क्लियर है? ठीक है जी, अगला सवाल लेते हैं। देखो एक बात मैं आपको ये समझा देता हूँ कि कभी भी ना रेशियो के सवाल आपको आ जाते हैं पेपर में तो आप एकदम खुश हो जाना, इसलिए खुशी होना कि ये रेशियो वाले कभी गलती नहीं होती जिंदगी में। रेशियो का एक ऐसे टॉपिक है भाई, रेशियो वाला सवाल आ गया, फोकट का नंबर है, जोड़ के सिर्फ रेशियो निकालनी होती है। अभी आज आपको बेसिक ज्ञान दे रहा हूँ, कल की क्लास में इतनी जबरदस्त ज्ञान देंगे आपको होश उड़ जाएंगे। कल के क्लास कोई बच्चे मिस मत करना। सर आज भी उड़ गए होश तो। आज उड़े होश, आज तो टेलर दिया हूँ, कल मेन कहानी कल सुनाऊंगा कि बड़े बड़े सवाल को कैसे औकात पर लेके आनी होती है। मेंस्ट्रुएशन कब करवाओगे? अरे मैडम डीआई होगा उसके बाद ही मेंस्ट्रुएशन भी करेंगे ना, सारे करेंगे वन बाय वन। ठीक है बेटा, ये जो टॉपिक अभी चला ये समझ में आ रहा है सबको? हाँ जी सर। सर इसको बाय ऑप्शन से भी कर सकते हैं क्या? किसको मैडम? इसको जो अभी आपने किया बाय ऑप्शन, किसको? ये तीन नंबर को? हाँ जी सर। कैसे करेंगे बाय ऑप्शन बताना मुझे। नहीं नहीं सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कर नहीं सकते? कर सकते, देखो क्या कैसे कर सकते हैं बच्चों, जो जैसे वो टोटल आया है ना, चलो वो भी लंबा हो जाएगा, वो कोई फायदा नहीं, लंबा हो जाएगा लिमिट, नहीं तो कुछ और सोच रहा था, नहीं होगा। हाँ जी सर, मैं भी उतना ही कह रहा था, तो जो कह रहे। बोलो 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 बच्चे, कुछ बोलना चाहते हैं कोई बच्चे? बोलो बोलो सर, जो इन दोनों आप लोगों का आवाज मुझे एलियन की तरह सुनाई दे रहा है भाई। सर मैं ऐसे बोल रही हूँ, जो इनका दोनों का टोटल आया है, जो रेशियो में आंसर आया है 3-0, लास्ट में भी उसका 3 और 0 है। ना ऐसा नहीं होता, ये बाय चांस आ गया, ऐसे होता नहीं है सर, ये बाय चांस ही आ गया मैडम। जी सर, मैं भी यही सोच रही थी। अरे मत सोचो, सोचो इतना मत सोचो, रात के समय इतना मत सोचा करो मैडम, सवाल नंबर 4 का आंसर निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 4 सर, वो टेबल दिखा रहे सर। सवाल पहले आप लोग नोट करो क्या किस किस का रेशियो चाहिए, लिखो पहले व्हाट इज रेशियो नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन मैनेजमेंट स्ट्रीम फॉर ऑल द इयर्स टुगेदर। बॉयज एंड गर्ल्स कहाँ निकालनी है? मैनेजमेंट में निकालनी है, तो बॉयज एंड गर्ल्स मैनेजमेंट में चले जाएंगे। मैनेजमेंट यहाँ पे है बच्चो, यहाँ से बॉयज को जोड़ लो, यहाँ से गर्ल्स को जोड़ लो, फिर बताओ आंसर क्या होगा। अभी एक काम करना, ऐसे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, जो अनाउंसमेंट है ध्यान से सुनो आप लोग, जो मैं अभी कह रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट अभी क्लास लगा रहे हैं उनको परसेंटेज में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, जो रागनी मैम के नंबर है 8283867867, इस पे आप लोग अभी मैसेज करोगे सारे बच्चे, जितने बच्चे आप लोग हो, कि 7 to 9 batch, 7 to 9 batch, तो जैसे आप मैसेज कर दोगे तो आपको मैं वही रिकॉर्डेड वीडियो भेजूंगा आप लोगों को, जो परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज बहुत वीडियो पड़ा हुआ है उस पे, ऐप पे भी पड़ा हुआ है और यूट्यूब पे भी 200 वीडियो पड़ा होगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा वीडियो मैंने काम किया, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो सारे बच्चे क्लास के बाद क्या करना, मैडम को लिखे भेजा 7 to 9 batch, तो जो जो मैसेज हमारे पास व्हाट्सएप पे आएंगे उन मैसेज को क्या करें, उस मैसेज पे हम रिप्लाई करेंगे आपको, जो वीडियो आपको देखना है परसेंटेज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बेसिक कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या होगा, कल की क्लास में जब मैं अच्छे सवाल करूंगा तो वहां पे बच्चे हिलेंगे नहीं, वहां पे ठीक ठाक आपके रिस्पॉन्स रहेगा। ठीक है बच्चों, क्लास के बाद आप लोगों ने मुझे भेजनी है और इस पे लिख के भेजनी है मैडम को
7 to 9 बैच, तो मैं समझ जाऊंगा आपको परसेंटेज की रिक्वायरमेंट। हाँ भाई कहाँ गया सवाल हमारा, कहाँ गया सवाल? हाँ ये सवाल सर है। एक बात पूछनी थी। बोलो जी। सर पीएस स्टेट में भी जी आएगा? 100% आएगा मैडम। पेपर नहीं देखा क्या पुराना वाला पेपर आपने? नहीं सर देखा नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन। टेबल दिखायो। अरे मैडम कम से कम पेपर तो देख लिया करो कि आपके पेपर में क्या आनी हो, देख लिया करो। हमेशा ये पेपर में आते हैं, 5 नंबर के आएंगे आपके पेपर, लास्ट के 5 सवाल यही रहेंगे आपके पेपर में। ओके सर। कभी कभी 7 नंबर के भी आते हैं आपके पेपर में। सर ऑप्शंस दिखाना। लो जी मैडम आप लोग कभी भी टेस्ट में जाते हो और डीआई का सवाल आपको देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं मैडम। बाकी बच्चों भी निकालो। एक चीज बच्चों आप लोग सुन लो, कभी भी टेस्ट में जाओगे डीआई का सवाल आएगा तब पहले से मान के बैठ जाए कि मुझे ये आते हैं, वो करके आना, वो आपसे पक्का हो जाएगा। ये माइंड सेट ही बना लो। क्वेश्चन दिखाना सर। क्वेश्चन तुम देखो मैडम। लो जी लो जी लो। सी ऑप्शन। सबका आंसर सी आया नहीं आया? अगर सी नहीं आ रहा था प्लस माइनस नहीं कर पा रहे, गुना भाग नहीं कर पा रहे, उसका कोई इलाज नहीं है फिर। सर सी है। ठीक आंसर सी जिनका आ गया वो सही है। यस सर। इसका सही आंसर सी होगा 91:83। क्लियर है बच्चों? यस। तो सवाल नंबर 5 कीजिए आप लोग। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉमर्स स्ट्रीम इन ऑल द गिवन इयर्स? हो जाएगा, आसान सवाल है ये, सिर्फ जोड़ना वाला सवाल है ये। यस सर। यस या नो? अब आपको दिख रहा है देखो अंतिम संख्या अलग अलग दिया गया है, तो सीधा हम लास्ट डिजिट के आंसर बता देंगे। यस या नो? यस सर। हाँ जी सर। और कभी कल क्या होगा, जो लास्ट डिजिट आपका आएगा वो ऑप्शन में नहीं होगा, तो उसका आंसर फिर नन ऑफ दीज हो जाएगा। जो जोड़ने के बाद जो लास्ट डिजिट आएगा बेटा वो ऑप्शन में नहीं होगा, जब ऑप्शन में नहीं हो तो आंसर नन ऑफ दीज होगा उस केस में। टेबल दिखा दो सर। टेबल देख लो बेटा, 5 नंबर टेबल देख लो, 5 नंबर का। क्लियर है बच्चों? यही सवाल है ना, एवरेज निकालने में ये भी याद है ना, एवरेज का हुआ तो जोड़ के डिवाइड करना पड़ेगा। जोड़ के आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा 6 से। कितना लोग है? 6-7 लोग है। 6 सर 6 6। जो भी टोटल आएगा उसको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, याद रखिएगा। यस सर। टोटल कितना आया? 4086। 31 आंसर 086। बट 6 है, देखो अब 6 के टेबल में कहां पे आएगा, एक पे ही आएगा ये ना, 6 के अब 6 होता है, एक वाला ही आंसर होगा। यस सर।
यस या नो? यस लो जी, अब इसका सवाल का ना फोटो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, आराम से करते ना इस चार्ट को, स्क्रीनशॉट यहां से लेना स्टार्ट करो, ये वाला चार्ट खुद से करोगे मैं नहीं कर पाऊंगा। लो ये चार्ट का अपने स्क्रीनशॉट लो आप लोग, वैसे मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। थोड़ी जूम कम करना सर, जूम कम कर दो, जूम कम कर दो, वैसे मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा अभी, फिर भी आप ले लो इमरजेंसी के लिए, ठीक है इतना में। थोड़ी स्क्रीन इधर कर दो राइट साइड को। सर ये कितने नंबर दा है, कौन से पेपर ये बात कीजिए? कोई पंजाब दे, कोई पेपर दे। कम से कम पांच नंबर के सारे पेपर में है ये। और बैंकिंग का पेपर है आपको तो कम से कम 20 से 25 नंबर का। अच्छा एसबीआई में, एसबीआई में बेटा 60 नंबर का मैथ आता है, 60 में से 50 नंबर डीआई का होता है, बाकी मैथ 10 नंबर का आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ में। 60 में से 50 में डीआई आते हैं पीओ में। सर ये जो पंजाब वाला पेपर है बैंक वाला, उसमें भी आएगा क्या? हाँ जी मैडम उसमें भी आएगा, इसलिए तो करवा रहा हूँ, जो पंजाब कोऑपरेटिव बैंक है उसमें ही आएगा ये। पटवारी में भी आएगा सर? पटवारी में भी आएगा ये। सर ये ऊपर टेबल दिखा दो बस, टेबल दिखा दो, यही टेबल, ये छोटा वाला टेबल है, बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला, ये छोटा वाला, ये वाले टेबल का फोटो आपने लेनी, ये वाले टेबल का। सर ये पीडीएफ है एप्लीकेशन में आप पढ़ा है ये? यस सर। कहाँ पे पढ़ा है बताना मैडम? सर स्टडी मटेरियल में जाके ना। हाँ उसमें होगा, वहाँ पे मैथ बुक विद डीआई डाटा एंट्री। हाँ हाँ उसमें होगा, सही कह रहे हो आप एकदम सही, मैं बाकी को भी बता दूं, मुझे याद भी नहीं रहे जो बच्चों, अब सही कह रहे हैं मैडम, इसमें डाला हुआ है अपने में। कहाँ पे है? बाकी बच्चों में समझाता हूँ कहाँ पे, सबको समझ में आ जाएगा ना। आप एप्लीकेशन में जाओगे ना, स्टडी मटेरियल आता है उसमें। मैं इधर दिखाता हूँ, वहाँ पे है मैथ स्टडी मटेरियल प्लस डीआई, लो डीआई डाटा एंट्री। बेटा चेंज हो गया स्क्रीन देखो? यस सर स्क्रीन चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टडी मटेरियल दिख रहा है सबको? हाँ जी स्टडी मटेरियल दिख गया ना यहाँ पे। Yes, स्टडी मटेरियल क्लिक मारना है ऐसे, यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, एक तो डॉक्यूमेंट का आएगा, एक वीडियो का आएगा। तो डॉक्यूमेंट में आप ऐसे नीचे जाना, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको बुक्स पीडीएफ फॉर डाउनलोड, बुक्स पीडीएफ फॉर डाउनलोड है ना, तो यहाँ पे जाना क्लिक मारना। अब यहाँ पे जो बुक्स है इसमें नहीं, ओके ये है यहाँ पे, इसमें है क्या? इसमें नहीं है वो बुक्स, इधर होगा दूसरा वाला, रुक जाओ, ये है आपका मैडम यहाँ जो, ये है क्या डाटा इंटरनेट बैंकिंग ने डीआईपी? नहीं सर नीचे जाओ, नीचे इतनी, ये है मैडम ये फाइनल, ये वाला है जो ये बुक्स है ना, मैथ एंड डीआई बुक विद सॉल्यूशन, मैथ एंड डीआई बुक विद सॉल्यूशन जो कहा गया है बेटा, इसको क्लिक मारेंगे तो यहीं से सारी कहानी खुल जाएंगे। इसमें इसका सी का 160 पेज पे जाओगे, 160 वाले पेज पे ये आपको डीआई मिलेगा, ये वंस देखो इसी में जाओगे पीछे तो नीचे आपको ये मिलेगा ये, ठीक है बच्चों? समझ में आ गया कहाँ मिलेगा? हाँ जी सर, ठीक है जी। पेज नंबर 160 पेज है ना? पता नहीं आप ढूंढ लेना मैडम इसके नीचे में जाके ना, अब इसी में कहीं ना कहीं होगा, बट होगा आपके ऐप पे तो सारी चीजें दिया गया प्रॉब्लम का समाधान, बट हम उसको यूज ही नहीं कर पाते हम लोग सही से। डन है बच्चों? हाँ जी सर, हाँ जी सर, ठीक है जी आगे चले। तो यहाँ सब एक काम करो ना, मैंने मोटा मोटी बातें तो बता दिया कि भाई इसका कहानी क्या कहता नहीं कहता है, अब आपने करना क्या उस बात को ध्यान दो। लो जी नोट करो, अब आपने घर पे क्या करनी है बच्चों, सवाल नंबर 6 से 10 प्रैक्टिस करनी है, नोट करो सवाल नंबर 6 से 10। उसके बाद आपने करनी है बच्चों सवाल नंबर 11 से 15, फिर आपने करनी है सवाल नंबर 16 से 20 डाटा वाले सारे कर लोगे, 16 से 20 हो गया, बस इतना करना है। बाकी ये जो ये डायग्राम वाले है ना ऐसे वाले, ये बार ग्राफ वाले लाइन, ये ग्राफ वाले कल करवाऊंगा, ठीक है बच्चों? टेबल वाले जितने भी सवाल है सारे कर लेंगे आप लोग आज ही कर लेंगे, ठीक है जी?
ये सब कल कर रहा ओके सर 149 पे नंबर से स्टार्ट होता है 149 से स्टार्ट है बच्चों याद नोट कर लो जिनको दिक्कत है वो 149 से स्टार्ट है और आगे चलता चला जाएगा ठीक है बच्चों yes, तो ये yes, सब करके आइएगा कल भी क्लास लेंगे और कल थोड़ा ये जो बाकी टाइप वो करवा देंगे और उसके बाद टाइम मिलेंगे तो अच्छा भी सवाल जो है वो भी करेंगे हम लोग ठीक है बच्चों आज के लिए इतना ही क्लास रखे ठीक है किसी बच्चों को गिला सिखवा बता सकते हैं अभी भी मेरे पास टाइम है 5-7 बजे आपको गिला सिखवा नो सर नहीं सर सारे बच्चे हमारे सर मैसेज कर दिया ग्रुप में यस सर मैसेज ग्रुप में क्या कर दिया आपने ठीक है ठीक है ठीक है 7-9 परसेंटेज टॉपिक जी जी ग्रुप बनाओ ग्रुप नहीं बना जो नंबर दिया था उस पे मैसेज कर दो ना जो रागिनी मैम को जो नंबर दिया था 8283 वाले उस पे मैसेज कर दो बच्चों 8823867867 तो इस पे मैं आपको वीडियो फॉरवर्ड करवा दूंगा तो वही वीडियो देखना जो आप काम किए बाकी वीडियो देख के टाइम वेस्ट मत करो ठीक है बच्चों तो जो जो आप वीडियो भेज दूंगा उसको ध्यान से देख लीजिएगा पहले तो उससे क्या होगा परसेंटेज कैलकुलेशन आपके स्ट्रांग हो जाएंगे बच्चों ठीक है यस सर चलो बच्चों आज के लिए इतना ही है बाकी प्रैक्टिस कीजिए अभी आपके पास काम बहुत ज्यादा है ठीक है फिर कल आप मिलते हैं इसी टाइम में 7-9 के बैच में ओके सर थैंक यू ओके सर ओके बच्चों गुड नाइट टेक केयर एवरीवन गुड नाइट सर थैंक यू ओके बच्चों बाय बाय